हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, आपका ना एक पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है ना? और ये पेपर नंबर आपका, ठीक है, पेपर नंबर 5 आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बेटा ऑडिटिंग एंड एथिक्स। हाँ जी, कौन सा पेपर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? पेपर नंबर 5 क्या है बताओ? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सारे बच्चों को बोलना पड़ेगा पेपर का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, व्हाट इज ऑडिटिंग? सबसे पहला सवाल बेटा ये उठता है, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या होता है? सबसे पहला सवाल बेटा यही उठता है। तो ऑडिट क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना पड़ेगा और आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो कंपनीज होती हैं, एक एग्जांपल से आपको ऑडिट का मीनिंग समझ आ जाएगा बेटा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर जो कंपनीज होती हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ उनके मालिक लोग, जिन्हें आप ऑनर्स कहते हैं, और एक तरफ उनकी मैनेजमेंट, यानी जो कंपनी को मैनेज करते हैं। यानी कंपनी दो पार्ट्स में बटी होती है, एक तरफ उसके मालिक लोग और एक तरफ उसके मैनेज करने वाले लोग। तो जो मालिक लोग होते हैं, जो कंपनी को, कंपनी के मालिक लोग होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स, जिसे आप आम जिंदगी में इक्विटी शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो यानी जो कंपनी के मालिक लोग होते हैं उन्हें हम मेंबर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर भी कहते हैं, ठीक है ना? और जबकि जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? यानी कंपनी को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? दो पार्ट में, एक तरफ उसके मालिक लोग और एक तरफ उसको मैनेज करने वाले लोग। तो जो मालिक लोग होते हैं उन्हें हम मेंबर्स या इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, और जो कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। चलो अब आपको एक और बात बताते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ना, अकाउंट्स वही बनाती है, क्योंकि मालिक रोज रोज नहीं वहां जाते। यानी कंपनी के अकाउंट्स बनाने का काम किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है ना? तो यानी कंपनी में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करती है बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस और नो? अच्छा जी, एक सीधी सी बात यह बताओ, मालिक तो साल में एक बार ही जाते हैं, मालिक तो साल में, आवाज में दम नहीं, मालिक तो साल में है ना, तो पूरे साल अकाउंट्स बनाए किन्होंने? कंपनी की मैनेजमेंट ने, कंपनी की। अब सवाल यह उठता है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है उन्होंने जो अकाउंट्स बनाए हैं, यार देखो पैसे आपके लगे हुए हैं, हिसाब किताब कोई और रख रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार वो हिसाब किताब ठीक रख रहे हैं या नहीं? कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे यहां पर इस बारी सेल हुई है 10 करोड़ की, तो एक्चुअल में सेल 10 करोड़ की हुई है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही हो, झूठ बोल रही हो मालिकों से। तो मालिकों से झूठ बोलना है, बोल रही है या नहीं बोल रही, मालिक ये जानना तो चाहेंगे ना। लेकिन मालिक क्या कह रहे हैं, यार हमें तो अकाउंट्स चेक करने आएंगे नहीं। तो ऐसा कोई होनहार पर्सन ढूंढो जो कंपनी के अकाउंट्स को क्या कर दे, चेक कर दे। तो उन्होंने, उनकी नजरों में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा
अकाउंट्स का ज्ञाता कोई नहीं है, तो उन्होंने किसी सीए को यह कहा, उन्होंने किसी सीए को यह कहा कि जाओ और जाकर क्या करके आओ, चेकिंग करके आओ, हमारे बिहाफ पर तुम जाओ, हमारे बिहाफ पर तुम जाओ और तुम जाकर क्या करो, चेकिंग। चेकिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम हमारे बिहाफ पर जाकर चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके आओ। समझ आ रहा है आपको? तो जरा सुनना, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने को कहते हैं ऑडिटिंग करना। यानी ये पर्सन जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के मालिकों के बिहाफ पर गया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी के मालिकों के बिहाफ पर गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स चेक करने, इस पर्सन को हम कहेंगे ऑडिटर। इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऑडिटर। और ये करने क्या जा रहा है? ऑडिटिंग। समझ आ रहा है आपको? और किस चीज की चेकिंग करेगा ये? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसने बनाई है? कंपनी की मैनेजमेंट ने। अब ये वहां गया, वहां पर इसने चेकिंग कर ली। चेकिंग करने के बाद इसे कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स में कुछ कमियां दिखी। तो बताओ बेटा, ये कमियां किसको आकर बताएगा? जिन्होंने इसको भेजा था उनको आकर बताएगा कि यार मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से कंपनी तुम्हारी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने, तुम्हारी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने अकाउंट्स बनाते वक्त ये गलतियां करी हुई हैं। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, ऑडिटर ये बात ओरली बताएगा या रिटर्न फॉर्म में? आवाज में दम नहीं, ओरली बताएगा या रिटर्न फॉर्म में? तो जब अपना ओपिनियन आप रिटर्न फॉर्म में देते हो तो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। जैसे अब आप देखो, अगर आपने कभी कोई टेस्ट करवाया हो तो टेस्ट करवाने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलती है। आपने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट की आपको क्या मिलेगी? रिपोर्ट। तो वो डॉक्टर कहते हैं हमारे हिसाब से आपके ब्लड में हमें ये चीजें मिली हैं। तो जहां आप अपना हिसाब से चीज बताते हो ना, वहां पर आप देते हो क्या? रिपोर्ट। जैसे ऑडिटर कह रहे हैं मेरे हिसाब से यहां पर ये चीजें मेरे को मिली हैं जो सही नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो इस केस में ऑडिटर ओपिनियन देता है कैसे? ओरली या रिटर्न फॉर्म में? तो जब ऑडिटर अपना ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में देता है उसी को कहते हैं हम क्या? ऑडिट रिपोर्ट। यानी तीन बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है उसे ऑडिटर कहते हैं। एक बार बोलना आपको पड़ेगा, जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है उसे और ऑडिटिंग का मतलब क्या है यहां पर? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बोलेंगे क्या नाम है? है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, उसको कहते हैं ऑडिट करना। समझ आ रहा है आपको? और ऑडिटर चेकिंग करने के बाद, ऑडिटर चेकिंग करने के बाद अपना क्या देता है? ओपिनियन। ओपिनियन ओरली देता है या रिटर्न फॉर्म में? और ओपिनियन जब वो रिटर्न फॉर्म में देता है तो जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? क्या यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पक्का वाला? बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेक करेगा? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। यानी मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो बेसिक बातें जो मुझे इस एग्जांपल से डिराइव करानी थी ताकि मैं आईसीआई के द्वारा दी गई डेफिनेशन पर जा सकूं, उससे पहले पहले आप मेरे को बताना स्टार्ट करना, कंपनी कितने पार्ट में बटी हुई है बेटा? दो। आठ दो। कंपनी कितने पार्ट में बटी हुई है बेटा? दो। एक तरफ कंपनी के और दूसरी तरफ कंपनी की। अच्छा, ऑनर्स को क्या कहते हैं? मेंबर्स। मेंबर्स का दूसरा नाम? मेंबर्स का दूसरा नाम। अच्छा, तो ये कह रहे हैं हमने तो साल में एजीएम पर ही जाना है, तो हमारे बिहाफ पर जो हमारे हिसाब किताब रख रहे हैं एक बार चेक तो करवाएं सही भी रख रहे हैं या गलत। ठीक है ना?
तो ये कह रहे हम तो जा नहीं सकते, अपने बिहाफ पर किसी सीए को भेज देते हैं और उसको कहते हैं जाओ जरा पता लगा कराओ कि हमारे बिहाफ पर जो हिसाब किताब रखा गया क्या वो सही रखा गया है या नहीं। तो बताओ बेटा ये सीए जाएगा वहां पर जाकर मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स की चेकिंग करेगा और चेकिंग में ये देखेगा क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही, और चेकिंग करने के बाद एट द एंड ऑडिटर क्या देगा अपना ओपिनियन, वर्ड पकड़ो क्या देगा अपना opinion. और ओपिनियन देगा ओरली या रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, तो अपना ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में देने को ही कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो जी बहुत बढ़िया। देखो हमारा सवाल था व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है ये हमारा सवाल है। तो हमने कहा आईसीआई के मीनिंग से ये बात उठाते हैं, ये बता रखा है ऑडिट का मीनिंग, तो इस डेफिनेशन को हम धीरे धीरे उठाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे और एट द एंड हम क्या पाएंगे, एट द एंड हम क्या पाएंगे कि हमें ये डेफिनेशन लर्न हो गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग है व्हाट इज ऑडिटिंग, तो ये कहना चाह रहे हैं देखो ऑडिटिंग का मतलब ये तो आपको पता होता है चेकिंग करना। अब मैं वैसे आपको ये डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले वैसे एक बात बता देता हूं, ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना, ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज को बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज को करना। पर यहां पर हमारे कोर्स में किस चीज को चेक करा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से आपको समझाया। देखो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके साथ ना ऑडिटिंग का काम बचपन से होता आ रहा है, मम्मी ने कहा ये पकड़ 1000 रुपए जब मार्केट से सामान ले आ, आप सामान लेकर आए आपने मम्मी को बचे हुए पैसे दिए, मम्मी कहती है हिसाब बता क्या क्या करा, यानी मम्मी आपकी चेकिंग कर रही है कि आप इन पैसों का क्या क्या कर कर आए, तो उस समय मम्मी आपकी क्या बनी हुई थी, ऑडिटर। मम्मी आपकी क्या बनी हुई थी, ऑडिटर, बताइए जरा क्या लाया। आप बोलते हो कि 100 रुपए का दूध आया, 50 का पनीर आया, 100 रुपए की ये मतलब ब्रेड आई, है ना, जो भी सामान आप लाए और बाकी बचे हुए पैसे मम्मी ये रहे, ये चीज। तो ऑडिट तो बचपन से ही हो रहा है, किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को चेक करने को कहते हैं ऑडिट, लेकिन हमारे कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने की बातें करी गई हैं, हमारे कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने की बातें करी गई हैं, तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऑडिट का एग्जांपल दिया, समझ आ रहा है आपको। तो ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक बार बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट, मजा नहीं आया, ऑडिटिंग इज एन। अभी मैं डेफिनेशन पर आगे नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर लिखेंगे नंबर वन और ये नंबर वन को हम एज अ वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन क्या कह रही है, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, आपको बोलना पड़ेगा ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट, आवाज में दम नहीं आया, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब एग्जामिनेशन का मतलब तो चेकिंग है, कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली चेकिंग है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली बोलना पड़ेगा, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली, तो हम कब कहेंगे कि ये चेकिंग इंडिपेंडेंट तरीके से हुई है, जब 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 ऑडिट करने वाला इंसान इंडिपेंडेंट होगा, जब ऑडिट करने वाला इंसान बोलना पड़ेगा, जब ऑडिट करने वाला इंसान, तब हम कह पाएंगे कि ऑडिट जो हुआ है वो इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ है, समझ आ रहा है आपको। यानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कब कह पाएंगे, हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तब कह पाएंगे
जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, बेटा बात जरा सुनना, क्या बात बोली गई है, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, आपको बोलना पड़ेगा ऑडिटिंग एक, आवाज में दम नहीं है, ऑडिटिंग एक और किसी भी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब तो यही होता है चेकिंग। हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट कब कह पाएंगे, जब एग्जामिनेशन करने वाला बंदा क्या हो, इंडिपेंडेंट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, यस और नो? वेरी गुड। तो जब ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट होगा तो ही हम कह पाएंगे वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है, लेट सपोज उसका नाम है गोलू टकला लिमिटेड, ठीक है ना, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, गोलू टकला लिमिटेड। अच्छा, इस कंपनी में, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पर्सन है जिसका नाम है बाला, समझ आ रहा है आपको, बाला का बेटा बाली सीए बन गया, बाला का बेटा बाली क्या बन गया, सीए, ठीक है ना। अब गोलू टकला लिमिटेड के अकाउंट्स बन चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है, गोलू टकला लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है, यस और नो? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, अब इस कंपनी के अकाउंट्स हम बाली को ही कह रहे हैं, बाली कौन है, सीए प्लस सीओपी, यानी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम कह रहे हैं तुम ही जो है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर दो। बताओ बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, इसके फादर साहब ने, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? इसके फादर साहब ने बनाई है ये अकाउंट्स वगैरह, और अगर हम बाली को अकाउंट्स चेक करने के लिए देंगे तो बताओ बेटा ये अपने पापा की गलतियां निकाल पाएगा, दम नहीं है। क्या ये अपने पापा के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स की गलतियां लोगों को बताएगा? तो बताओ, क्या बाली एक डिपेंडेंट पर्सन है या इंडिपेंडेंट पर्सन है? लेकिन हमें तो ऑडिट करने के लिए चाहिए कि ऐसा पर्सन होता है इंडिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट है, तो ये ऑडिट करते वक्त सही ढंग से एग्जामिनेशन नहीं कर पाएगा, तो इसको हम ऑडिट दें या डिस्क्वालिफाइड कर दें? मैंने क्या बताया, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक बार जकारा आन दो, ऑडिटिंग इज एन, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, ऑडिटिंग इज एन। अच्छा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी चेकिंग को इंडिपेंडेंट तब कह पाएंगे, किसी भी चेकिंग को इंडिपेंडेंट तब कह पाएंगे जब वो चेकिंग करने वाला इंसान क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। समझ आ रहा है आपको? अच्छा जी, अब अगर हम किसी रिलेटिव को ही ऑडिट का काम दे रहे हैं तो भैया वो तो हमारी गलतियां निकालेगा नहीं, समझ आ रहा है, ये तो क्या करेगा, पार्शियलिटी करेगा, यानी फुली बायस रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा पर्सन हो जो क्या करे, इंडिपेंडेंट हो और लोगों को गलतियां बताए भी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज एक कंपनी है श्रीवल्ली लिमिटेड, एक कंपनी है कौन सी, श्रीवल्ली लिमिटेड, ठीक है, यस और नो? अच्छा, ये जो श्रीवल्ली लिमिटेड है इसके अंदर शेयर्स खरीद रखे हैं किसने, पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझे क्या,
फायर है वह, ठीक है। अब बताओ बेटा, पुष्पा जो है वो सी ए प्लस सीओपी है, यानी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस भी है, और इसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मेरा आपसे एक सवाल है, पुष्पा लिमिटेड को अगर इसका ऑडिट दे दिया जाए, क्या पुष्पा लिमिटेड इसकी बुराइयां करेगा या पुष्पा इसकी बुराइयां करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये बुराइयां करेगा तो इस कंपनी की इमेज डाउन होगी, और इमेज डाउन होगी तो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की वैल्यू कम होगी, और उसकी शेयर्स की वैल्यू कम होते ही इसकी इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसमें इसका घाटा हो जाएगा। तो बताओ बेटा, ये तो झूठी झूठी तारीफें करेगा, तो फिर ये डिपेंडेंट हुआ या इनडिपेंडेंट हुआ? लेकिन हमें तो कैसा पर्सन चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में इसका क्या है, इंटरेस्ट है, तो देयरफॉर ये एक डिपेंडेंट पर्सन है। तो देयर अगर ये डिपेंडेंट पर्सन है तो बताओ बेटा, इसे हम क्वालिफाइड माने या डिसक्वालिफाइड माने? आवाज में दम नहीं है, क्वालिफाइड माने या डिसक्वालिफाइड माने? क्या आपको बात समझ आनी स्टार्ट हो रही है? बोलो बेटा, यस और नो, पक्का वाली? दोबारा से बात जरा सुनना, आप ये कह रहे हो ऑडिट करने वाला इंसान अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ही वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाएगा, यानी अगर वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है तो वो एग्जामिनेशन सही ढंग से नहीं करेगा, पार्शियलिटी बायसनेस बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है ना? आप मुझे बताना, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है, आप बताना मैं डिपेंडेंट हूं या इनडिपेंडेंट। बेटा देखो, अगर मुझे कोई भी काम करना है और मैं आपसे पूछकर ही कर सकता हूं, मुझे कोई भी डिसीजन लेनी है मैं आपसे पूछकर ही ले सकता हूं, तो बताओ मैं डिपेंडेंट पर्सन हूं या इनडिपेंडेंट पर्सन? और हमें चाहिए कैसा होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन, समझ गए? मतलब ऑडिटर के जो एक्शन है, ऑडिटर के जो जजमेंट है, वो सबॉर्डिनेट टू द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं आप उसके इशारों पे नहीं चलेंगे, अगर आप उसके इशारों पे नहीं चल रहे तो आप इंडिपेंडेंट पर्सन है, अगर आप उसके इशारों पर नहीं चल रहे, बोलना आपको पड़ेगा, अगर आप उसके इशारों पर तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यानी कहने का मतलब क्या है, ऑडिटर्स के एक्शन, ऑडिटर्स एक्शंस ऑब्लिक जजमेंट्स शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द क्लाइंट। मतलब ऑडिटर अधीन नहीं होना चाहिए किसके? क्लाइंट के। सर अब ये क्लाइंट कौन होता है? बेटा जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा? क्लाइंट। और इस क्लाइंट को आप ऑडिटी भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? देखो ऑडिटर ना एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर वो क्लाइंट के मतलब कोई भी वो डिसीजन लेने से पहले उसको क्लाइंट पर डिपेंड होना पड़ रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट किस बात का? ऑडिटर तो सीधी सी बात ये कहे, साड़ी जिंदगी ये ठां बलिए और सानू ऐरे गहरे दी नहीं परवाह बलिए। समझ रहे हो? ऑडिटर तो ऐसा होना चाहिए। समझ रहे आप? अच्छा, और ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कहां पर? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑडिटर शैल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ अगर उसके शेयर्स हैं उसमें तो उसका इंटरेस्ट है, और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो ऑडिट सही ढंग से करेगा ही नहीं। तो यहां पर यही बात तो कह जा रहा है, ऑडिटर शैल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पर, उस क्लाइंट पर ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो ऑडिट सही ढंग से कर ही नहीं पाएगा।
क्या आपको बात समझ आनी स्टार्ट हो रही है? चलें, मेरा आपसे एक और सवाल है, ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका मन क्या कहता है, किसी से प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. ऑडिटर शैल नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन. ऑडिटर किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस पर नहीं होना चाहिए. ऑडिटर किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में होना नहीं चाहिए. यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आओ जरा हमने जो बातें करी एक बारी आपके आईसीआई मॉड्यूल से भी देखते हैं. कह रहे हैं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. एक बारी बोलना पड़ेगा, ऑडिट एक क्या है? तो इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस हेयर इंप्लाइज दैट जजमेंट. जजमेंट मतलब डिसीजन. जजमेंट मतलब आठ दो. जजमेंट मतलब कह रहे इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि जो जजमेंट है, डिसीजन ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन. मतलब आपकी जो डिसीजन है वो किसी पर्सन की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती. वो जो कहेगा मैं वो करूंगा, वो जो डायरेक्शन देगा मैं वो करूंगा. फिर आप इंडिपेंडेंट किस बात के? इंडिपेंडेंट तो आप तब हैं, इंडिपेंडेंट तो आप जब आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं. हमने क्या पढ़ा? ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. बोलना आपको ही पड़ेगा, ऑडिटर एक तो इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब यह हो गया भैया उसको डिसीजन लेने से पहले किसी की डायरेक्शन और किसी की इच्छा जानने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से ले सकता है. तभी तो मैंने बोला था ऑडिटर ये गाना गाए, साडी जिंदगी ये ठा बली है सानू एरे गेरे दीनी. हाँ, हु माइट हैव एंगेज्ड हिम, ठीक है ना? क्योंकि देखो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन, ताकि वो ओपिनियन दे पाए विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस. किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं लिखे वो रिपोर्ट में, वो बताते जा रहे हम रिपोर्ट में अपना, वही लिखते जा रहे अपना ओपिनियन. ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर आप इंडिपेंडेंट किस बात के? आप तो इशारों पर चल रहे हैं किसी के. समझ आ गया आपको? अच्छा, इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस तो ऑडिटर एक्ट, ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली इंक्रीज होती है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? इंडिपेंडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है ऑब्जेक्टिविटी से. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पार्शियलिटी ना करना, ठीक है ना? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इंडिपेंडेंस बढ़ेगी तो ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ेगी. ऑब्जेक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑडिटर ऑडिट कैसे करके दे, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए. ऑडिटर ऑडिट कैसे करके दे, कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में है? क्या कहना जा रहे हैं? ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन एन अनबायस्ड मैनर. कह रहे हैं जो ऑडिटर है अगर उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उतना ही ऑडिटर ऑडिट करेगा अनबायस्ड मैनर में. हम तो चाहते यही है, ऑडिटर पार्शियलिटी ना करे, बायस ना रहे ऑडिटर. हम तो चाहते भी तो यही है. यस और नो? वेरी गुड. एग्जाम्पल के तौर पर ये जरा देखो, जो हमने कंसीडर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर
अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न। भाई आपकी एक दुकान है और आप अपने भाई को ही कह रहे हैं मेरे अकाउंट्स चेक कर दे। बताओ बेटा, भाई अकाउंट्स चेक करते वक्त गलतियां निकालेगा या नहीं निकालेगा? आप बताओ, निकालेगा या नहीं निकालेगा? मजा नहीं आ रहा है। निकालेगा या नहीं निकालेगा? तो वो क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि वो एक, ठीक है ना, हम उसको कह रहे हैं अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर। एक पर्सन अपने ब्रदर को ही रिक्वेस्ट कर रहा है, हेलो ब्रदर, समझ आ रहा है आपको? तुम ही हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर दो, ऑडिट कर दो और एक रिपोर्ट इश्यू कर दो। कैन सीए ऑडिट द अकाउंट ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज अ सोल प्रोप्राइटर, यस और नो? No, answer is no, he cannot. It is due to the fact that there would be no independence in such a case due to the relationship by birth. ये तो birth से ही एक दूसरे को कह रहे हैं कुछ तो है तुझसे राबता, ठीक है ना, between CA and his brother. तो he would subject to be influenced from his brother. तो इसका भाई जैसा कहता रहेगा, ठीक है ना, ये जी भैया करते हुए उनकी बातें मानता जाएगा और रिपोर्ट में वही वही चीजें लिखता जाएगा। यस और नो? अच्छा ये देखो, टेक अनदर केस वेयर अ सीए हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। बेटा एक सीए ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, कैन ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी इन विच ही होल्ड द शेयर्स, यस और नो? ये तो आपने ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़ा है, आपने याद है ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर लॉ में पढ़ा हुआ है एक, वहां भी तो यही बात पड़ी थी, अगर आपका उस कंपनी में एचआरपी हिमसेल्फ रिलेटिव और पार्टनर, अगर आपके पास उस कंपनी की सिक्योरिटी है तो आप उस कंपनी से क्या होते थे? डिस्क्वालिफाइड। रीजन बिहाइंड, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है आपको? द आंसर इज रिसाउंडिंग नो। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बाय होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी ही इज own self interest get involved and his own money is invested in the company and he may not be able to form a judgment independently on the financial statement of the company. Sir, badi der se na aap ek hi baat cheek rahe ho, independent 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 independent, ye kahin likh rakhi hai ya aap apne dil se bol rahe ho? Beta ye kahin likh rakhi hai. Sir, kahan kahan likh rakhi hai? Independent auditor independent person hona chahiye, auditor independent person hona chahiye, ye kahan likha hai? Beta teen jagah likha hua hai, एक बार बोलना पड़ेगा कितनी जगह लिखा हुआ है? मजा नहीं आया, कितनी जगह लिखा हुआ है? सर कहां कहां पर? इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू, पहला एसए नंबर 200। अच्छा, अकाउंट्स के रूल्स को आप एएस कहते हैं, अकाउंट्स बनाने के जो रूल्स होते हैं आजकल उसे हम क्या कहते हैं? एएस। एक बारी आंट दो, क्या कहते हैं बेटा? अकाउंट्स बनाने के रूल्स को हम एएस कहते हैं। तो भैया ऑडिट करने के जो रूल्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जयकारा आन दो, क्या? जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए बेटा, क्या? तो जो एसए नंबर 200 है ना, वो ऐसा कहता है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। समझ आ रहा आपको? अच्छा सर, और कौन कहता है? द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 भी यही बात कहता है, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। देखो डिस्क्वालिफाइड में हमने जो डिपेंडेंट थे उनको हटाते गए थे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं एक बात, आईसीए की बुक में भी दिखाते हैं आपको और अपनी बुक में भी दिखाओगे तो दिखा देंगे। ये आपने पढ़ा था ना ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर, क्या लिखा हुआ है इसमें? आईसीआई का मॉड्यूल जान के खोला ताकि सब बच्चों को पता हो। क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड और लेड डाउन बाय द बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? बोर्ड। और पेश कौन करता है? बोर्ड। और नीड टू बी ऑडिटेड बाय, और उसका ऑडिट कौन करे? आवाज में दम नहीं, कौन करे? यानी ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन ही करे, ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन ही करे। तो यानी दूसरा हो गया, कंपनी एक्ट भी ऐसा कहता है। थर्ड, थर्ड
बेटा द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, द सीए एक्ट भी यही कहते हैं कि जो प्रोफेशनल होना चाहिए, जो ऑडिटर होना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. द सीए एक्ट 1949 भी यही कहता है. क्या कहता है बताना जरा. ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. बोलो बेटा यहां तक की बातें आपको समझ आई है या नहीं है. अभी तक जितना हुआ एक बार आप मुझे सुनाएंगे, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे. चलो जी आ जाओ. पेपर नंबर अपना 5, पेपर नंबर अपना, मजा नहीं आया, पेपर नंबर अपना 5. पेपर का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स. ऑडिटिंग एंड, मजा नहीं आया, ऑडिटिंग एंड, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है ना. अच्छा अगर इस पेपर की बात करें तो हमारा पहला शब्द है ऑडिटिंग. हमें वो ही पहले आज समझना है. ऑडिटिंग क्या होती है उसको समझना है. तो उसको समझने के लिए, हमने एक एग्जांपल उठाया. कंपनी कितने पार्ट्स में बटी होती है बताओ. बेटा आपको बोलना पड़ेगा सभी को, कंपनी कितने पार्ट्स में बटी होती है. जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए. दोबारा, कंपनी कितने पार्ट्स में बटी होती है. कंपनी दो पार्ट्स में बटी होती है. यस और नो. अच्छा, पहला कंपनी के ऑनर्स, सारे बच्चे बोलेंगे पहला कंपनी के owners. और दूसरी तरफ कंपनी की ऑनर्स को क्या कहते हैं हम, मेंबर्स. ऑनर्स को हम क्या कहते हैं, या फिर, और जबकि दूसरी तरफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट किसके हाथों में होते हैं, कंपनी के, कंपनी के. तो बताओ बेटा अकाउंट्स कौन बनाते हैं, मालिक लोग या मैनेजमेंट लोग. मैनेजमेंट लोग अकाउंट्स बनाते हैं. तो अकाउंट्स बना, हिसाब किताब रख रहे हैं मैनेजमेंट, जबकि मालिक कोई और है. तो मालिक ये जानना तो चाहेंगे ना कि हिसाब किताब ठीक बन रहा है या नहीं. तो वो पता लगाने के लिए वो किसको भेजते हैं अपने व्याप पर, सीए को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि जाओ जरा पता लगा कर आओ कि इनके द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं. समझ आ रहा है आपको. तो वो चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद वो आकर अपना क्या देंगे, सर्टिफिकेट या ओपिनियन. और ओपिनियन किस में देंगे, ओरल या रिटर्न फॉर्म में. तो रिटर्न फॉर्म में ओपिनियन देने को ही क्या कहते हैं. समझ आ रहा है. और जो बंदा चेकिंग करने गया था उसको क्या कहेंगे हम, ऑडिटर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. फिर हमने पढ़ा व्हाट इज ऑडिटिंग. तो बेटा ऑडिटिंग की डेफिनेशन हमने उठाई है आईसीआई से. क्या है ऑडिटिंग, इज एन, मजा नहीं आया दोबारा. ऑडिटिंग इज एन, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. अब सवाल उठते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कहेंगे किसको, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कहेंगे किसको, जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन ही इंडिपेंडेंट हो. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ही तो एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट हो पाएगी. हम कब मानेंगे, कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है. हम कब मानेंगे वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, जब बताओ बेटा उसका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अच्छा एक और बात बताओ, उसकी डिसीजन, उसकी जजमेंट्स और उसके एक्शन सबॉर्डिनेट टू द क्लाइंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. वो किसी के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. समझ आ रहा है आपको, वो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए. और जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी. व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शेड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर. जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी, जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा. और ये बार बार मैं बोल रहा हूं ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, किसी ने कहा है या अपने मन से बोल रहे हैं. कहा है कितने, किन्होंने कहा है, तीन. पहला, आवाज में दब नहीं, पहला, दूसरा द कंपनीज एक्ट 2013, थर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. फिर आगे बात करते हैं. आपने बोला ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज की, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ, मजा नहीं आया, ऑफ ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन.
बेटा अंडरलाइन करना और इस पे 2 मार्क करना बच्चे। सर हम आपके साथ खेल नहीं रहे। क्यों बेटा मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे? सर आप तो ये कहते थे, आप तो ये कहते थे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट होता है, और आईसीआई ने तो ये कहा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग को कहते हैं ऑडिट। क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क है? आओ जरा उस पर कुछ विचार करते हैं। आ जाओ जी। तो हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चे, किसका बोलना आपको पड़ेगा, किसका बेटा? तो बनाओ मेरे साथ। हाँ जी, सेकंड वर्किंग नोट हम बनाएंगे किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। चलो आओ, सुनना बेटा प्लीज। अच्छा आपने एसपीएल देखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आप क्या लिखते हो? रिवेन्यू फ्रॉम, है ना? फिर आप क्या लिखते हो? अदर इनकम। फिर यहां पर इसका क्या कर देते थे? फिर आप यहां क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, जैसा भी है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज, और फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री कह लो, स्टॉक कह लो, है ना? और इस तरीके से फिर आप और भी चीजें लिखते थे यहां पर, जैसे क्या क्या? डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस। और इसके बाद इसको भी क्या कर देते थे? इसको ए मार्क करते थे, इसको बी मार्क करते थे, और बताओ टोटल में से, टोटल के टोटल प्रॉफिट में से, टोटल इनकम में से आपने टोटल एक्सपेंसेस माइनस करे तो आपका क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर, फिर आप इसमें से क्या करते थे? टैक्स माइनस करते हो। टैक्स माइनस करने के बाद फिर जो फिर आप क्या करते थे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस दिखा देते थे। यही सब होता है ना? पहले बताओ यही सब होता है या नहीं होता? अच्छा, फिर आपकी एक बैलेंस शीट भी होती है जिसकी, जिसमें आप पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिर एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ऐसा सही तो कुछ होता है? अब जरा सुनना, अब जरा सुनना। जैसे आपने लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 करोड़। बेटा 10 करोड़ रुपीस में है, यानी पैसा है। इस कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 करोड़ है। इस कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 करोड़ है। यस और नो? आप कह रहे हो तो 10 करोड़ पैसे से रिलेटेड सूचना है ना, उसी को तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसे से रिलेटेड सूचना। तो बताओ बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। अच्छा अदर इनकम कितनी बोलते हो? चलो 1 करोड़। 1 करोड़ भी क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है आपको? अच्छा कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कॉस्ट जो भी है कितनी है, कितनी मान लो, चलो 5 करोड़। ये 5 करोड़ परचेज कॉस्ट, 5 करोड़, ये आपको कौन सी वाली, क्या ये एक इंफॉर्मेशन है क्या? आप देखो एक और बात करते हैं। चलो एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताता हूं
सीए स्टूडेंट्स का डेटा आपको मतलब है, कोई सीए कर रहा है या नहीं आपको कोई मतलब नहीं है, साइंस साइड वालों को कोई मतलब है नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर वालों को मतलब है। तो वो चीज, वो बात जो किसी के लिए जरूरी है जानना, वो इंफॉर्मेशन होगी, और जो नहीं थी वो उसके लिए डेटा है। समझ आ रहा है? तो यहां पर डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, छोले कुलचे वाला कितना कमाता है कितना नहीं कमाता आपको कोई मतलब है? कई कह रहे हैं हाँ है। तो जिनके लिए है उनके लिए वो क्या होगी, और जिनके लिए नहीं है जो ये कहते हैं हमें क्या यार, कितने भी कमाए, 1000 कमाए, 2000 कमाए, 5000 का हमें क्या। समझ आ रहा है आपको? इंफॉर्मेशन और डेटा में भी फर्क होता है। यहां पर वर्ड क्या यूज करा आईसीआई ने, इंफॉर्मेशन। तो बताओ ऑडिटर के लिए ये सब सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑडिटर का इसमें इंटरेस्ट है। जैसे एक बात बताओ, किसके घर में लड़ाई हो रही है किसमें नहीं हो रही है आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन गली की चाची को बहुत ज्यादा मतलब है, तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखती है, आपके लिए डेटा है, साल में इस घर में इतनी लड़ाई हुई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गली की चाची को बहुत फर्क पड़ता है। समझ रहे आप? तो यहां पर हमारा कंसर्न क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और ये सूचना जो है वो पैसे से रिलेटेड है। तो बताओ बेटा, कंपनी में बोला हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी की, जो मान लेते हैं 15 करोड़ की। मेरा आपसे एक सवाल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की 15 करोड़ है, ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द दोबारा द इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जब मैं एक एक चीज चेक कर लूंगा, तो एक तरह से मैंने सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर ली चेक, और सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ आ पा रहा है समझ या नहीं आ पा रहा, आवाज में दम नहीं है, यस और नो? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर, इट बिकम्स व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऐसा भी कह सकते हो, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? पक्का ना? आओ जरा लिखे थोड़ा बहुत बातें इसके बारे में। तो आईसीआई ने लिखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको यह भी समझ आ रहा है कि इसकी जगह क्या भी आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ जी, यस और नो? तुम्हारा सेकेंड वर्किंग नोट में यहां पर लिखोगे, एवरी इंडिविजुअल आइटम, एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मतलब पैसा, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज पैसों की इंफॉर्मेशन आपको देती है, एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, द होल सेट ऑफ, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या when financial information is put
into the structured way. Put into the structured way, then it becomes, then it becomes, but what? अब एक बहुत बढ़िया बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी पैसों से रिलेटेड सूचना दो तरह की होती है. हैं? दो तरह की होती है? यस सर. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है? यस बेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है. यार पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, कह रही है दो तरह की होती है. एक बार आपको बोलना पड़ेगा, पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है, जल्दी बताओ. दो तरह की. सर ये दो वजहें कौन कौन सी हो सकती हैं, या ये दो कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली होती है हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. पहली अपनी क्या होती है, जल्दी बताओ. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहली तरह की होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, अच्छा. दूसरी होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा कितने तरह की होती है, जल्दी बताओ. दो तरह की आपको बोलना पड़ेगा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है. पहला हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और दूसरी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक बार जयकारा आन दो बेटा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम ये कह रहे हैं पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये. पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये. ये पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव. कोई वर्ड से पकड़ पाएगा इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव. क्या फर्क है हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव में, आप बताओ. बिल्कुल सही बता रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर. बहुत बढ़िया. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो देख रहे हो आज फॉर्म में है भाई, यही तो फायदा उठा जाते दुनिया. अब दुनिया को क्या पता चलेगा? वंशज ने बोले, वंशज ना, वंश, वंश ने बोले. दुनिया को तो यही पता चलेगा ना, वंश ने बोला. यस और नो? ठीक है ना. तो इसलिए अगर आपको बोलना तो आप बोलो, नाम आपका हो. समझ आ रहा है आपको? हिस्टोरिकल का मतलब होता है बेटा पास्ट. बिल्कुल सही बात. हिस्ट्रीज तो पास्ट की होती है ना. समझ आ रहा है आपको? और प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर. आपके हिसाब से मैं आपसे एक बात जनरली पूछ रहा हूं, फिर मैं आपको इसको लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ होगा. ऑडिट किसका होता होगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता होगा या प्रोस्पेक्टिव? तुक्का ही मार दो, अभी तो तुक्का ही मार दो. क्या ये तुक्का मारा या वैसे सही बताया आपने? तुक्का मारा है. कईयों ने कहा यही सही है और ये सही है. आपको पता ये सही है? देखो होता क्या है, मैं अभी आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ समझाऊंगा. सुनना जरा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ समझाऊंगा. देखो पहले हर साल, पहले पूरे साल क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे, रिकॉर्ड होंगे, फिर उनकी चेकिंग होगी ना. बने हुए अकाउंट्स तो चेक करने जाओगे आप. हेलो, बने हुए अकाउंट्स ही तो आप चेक करने जाओगे. यस और नो? आवाज में दम नहीं है. यस और नो? तो यही है, अकाउंट जो ऑलरेडी बन चुके हैं और बने कब होंगे, पूरे साल बन गए, साल के एंड पर अब हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे. तो बताओ बेटा जो समय बीत गया आजकल वो क्या होता है? पास्ट.
तो ऑडिट हमेशा किसका होता है, जल्दी बताओ। ये देखो अभी ये सब कुछ धीरे धीरे अपना कवर्ड होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखला जा। ये देखो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो आपने कहा मैंने इतने की परचेज करी है, इतने की सेल करी है, और वो चीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है, जो चीज हुई है वो लिखी है, जो चीज हो चुकी वो क्या है, पास्ट। हेलो, जो चीज हो चुकी वो क्या है, आवाज में दम नहीं, जो चीज हो चुकी वो क्या है, वही तो कह रहे हैं। जब परचेज और सेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल, क्योंकि दीज आर अबाउट ट्रांजेक्शन विच हैव अकर्ड इन, तो ऑडिट किस चीज का होता है बताओ, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का होता है। ऑडिट किसका होता है जल्दी बताओ, जो ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब सवाल उठता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इतनी देर से सर आप बोल रहे हो ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है। आ जाओ जी, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और फिर एट द एंड अपने आप लर्न हो जाएगी। सुनना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करी जाती है, क्योंकि बोला क्या जा रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आवाज में दम नहीं, दोबारा बोलना क्या, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको किस रूप में बताया गया है, पैसे, समझ आ रहा है आपको, वो इंफॉर्मेशन जो पैसे के रूप में बताई जाती है। और बताओ बेटा वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, किसी क्लाइंट से, किसी एंटिटी से। दो बातें होगी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस करी है आपने, जो आपने क्या करी है, एक्सप्रेस करी है इन फाइनेंशियल टर्म, बोलना आपको पड़ेगा इन, समझ आ रहा है। और ये इंफॉर्मेशन पैसों से रिलेटेड है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, किसी एंटिटी से। और ये इंफॉर्मेशन हमने डिराइव कहां से करी है, उस कंपनी के बने हुए अकाउंट से, डिराइव प्राइमरली फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन है, देखो कमाल की बात कह रहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन है जो पैसे के रूप में बताई जाती है, कैसी इंफॉर्मेशन है जो पैसे के रूप में बताई जाती है, बोलना पड़ेगा कैसी इंफॉर्मेशन है जो एक समझ आ रहा है। और ये पैसे के रूप में जो इंफॉर्मेशन बताई रखी है, ये किसी को बिलोंग तो करती होगी, किसको रिलेट करती होगी, किसी एंटिटी को, किसी Entity. किसी Entity. और ये इंफॉर्मेशन हमने उठाई कहां से होगी, उस एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। और ये देखो इसमें लिखा क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन में इकोनॉमिक इवेंट्स इन द पास्ट टाइम पीरियड, यानी SPL, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं, उस जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं, इस अकाउंट, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में लिखा क्या होगा, SPL की बातें और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस एट पॉइंट इन टाइम। और बताओ बेटा बैलेंस शीट, बिल्कुल सही, बैलेंस शीट क्या होती थी, एज ऑन होती थी ना, याद करो 11th में मार्क्स काट लेता था टीचर तुम्हारे, ऐसे एज ऑन नहीं लिखा, ले बेटा तेरे 2 मार्क्स गए, आप बेहोश, किस बात के 2 मार्क्स, एज ऑन नहीं लिखा, याद आए वो दिन, अगली बारी आप सबसे पहले कुछ और करते थे या नहीं, बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन लिख देते थे, चल 2 तो पक्के हुए है ना, यस और नो, ये वही वाली बात है, क्या आपको समझ आ रहा है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बातें करते हैं, हमने कहा अभी तक, मैं यहीं तक लेकर आता हूं आपको, आप सब मेरा साथ देना, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो पेपर नंबर अपना कौन सा है बेटा, अगर आप यहीं बोलेंगे यहीं याद हो जाएंगे, आपके पास और सब्जेक्ट भी है पढ़ने के लिए, मैं यहीं याद करा दूंगा आपको, यहीं क्वेश्चन हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जो बुक का फॉर्मेट आपके लिए है ना, वो बताऊं क्या है, ये आपका टॉपिक, टॉपिक के नीचे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस डल गए हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो ये आदत भी है, हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन है, अब चैप्टर के एंड पे नहीं है,
वो टॉपिक करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करो, जाओ। तो ये टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, लर्न कर लिया, तो क्वेश्चन भी यही हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। बुक का फॉर्मेट ऐसा हो चुका है। अभी आपको बुक भी दिखाएंगे, पहले इधर मैं पढ़ा दूं आपको। चलो जी, एक बारी आप सब बोलना स्टार्ट करो, पेपर नंबर कौन सा है अपना, सारे बच्चे को बोलना पड़ेगा पेपर नंबर। चलो आ जाओ जी, स्टार्ट हो जाओ। पेपर नंबर 5, सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सबसे पहले क्या स्टार्ट करा, व्हाट इज, व्हाट इज, तो ऑडिटिंग को समझने के लिए हमने कंपनी को कितने पार्ट में बांटा, दो। कंपनी को कितने पार्ट में बांटा, दो, समझ रहे हैं हम। तो जब कंपनी को हमने दो पार्ट में बांटा, तो सबसे पहले वाला फर्स्ट पार्ट क्या है, कंपनी के ऑनर्स, दूसरी तरफ कंपनी की मैनेजमेंट, ऑनर्स का दूसरा नाम मेंबर्स, तीसरा नाम इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी को मैनेज करने वाले लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को मैनेज करने वाले लोग। अकाउंट्स कौन बनाएंगे, मालिक या मैनेजमेंट। अकाउंट्स उन्होंने बना दिए, भाई आपकी जगह आपकी कोई और अकाउंट्स बना रहा है, तो चेक तो करवाओगे सही बना रहा है या नहीं। चेक करने आप जा सकते हो, नहीं, रुक भाई तू मत जा। किसको भेजेंगे, सीए को, और वो सीए कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिसिंग सीए जिसको भेज रहे हो उसी को हम कहेंगे ऑडिटर। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, और ये वहां जाकर करेगा क्या, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको मैं कहूंगा क्या, ऑडिटिंग। और चेकिंग करते हुए क्या पता लगाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है या नहीं, और ये बात वो आकर किसको बताएगा, मेंबर को, ओरली या रिटन में, और ये सर्टिफिकेट देगा ओपिनियन। ओपिनियन रिटन फॉर्म में जब दिया जाता है तो उसको रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट है, तो दैट इज वाई इसका नाम क्या हो गया, ऑडिट रिपोर्ट, खत्म। चले आगे, फिर ऑडिटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट करी, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ना बताओ। जब ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट होगा, तो तभी तो उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो बताओ कब हम कहेंगे ऑडिटर जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, जब उसके एक्शन उसकी जजमेंट, जब उसके एक्शन जब उसकी जजमेंट, जब उसके एक्शन जब उसकी क्या नहीं है, सबऑर्डिनेट टू द क्लाइंट नहीं है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं है, और उसका इंटरेस्ट नहीं है, और जितना ज्यादा वो इंडिपेंडेंट उतनी ज्यादा उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, समझ आ रहा है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर, समझ आ रहा है आपको। और इंडिपेंडेंसी चाहिए क्यों, इंडिपेंडेंसी चाहिए क्यों बताओ। पहला कौन कहता है, एसए नंबर 200। दूसरा कंपनीज एक्ट 2013। तीसरा, फिर आपने बोला ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल, पैसा, इंफॉर्मेशन सूचना, वो चीज जो पैसों की सूचना दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम पैसों की सूचना दे रही है, तो हर आइटम ही क्या होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब मैंने पुट करा एक स्ट्रक्चर में, इट बिकम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट बिकम्स व्हाट, मजा नहीं आया, इट बिकम्स व्हाट, या द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई तूने अपने हाथ में ये सारी चीजें क्या उठा रखे, भाई मैंने सारी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठा रखी, अरे इतना क्यों बोल रहा है, सीधा बोलना तूने क्या उठा रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे आप। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है, 5 तरह की तो होती ही होगी, नहीं 2 तरह की। पहली का नाम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो पैसों की बातें तो कर रही है, लेकिन कौन सी ट्रांजेक्शन की बातें करे, जो हो, जो होनी है या हो चुकी है, समझ आ गया। और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, समझ आ रहा है, पैसों की टर्म्स में उसको डिफाइन करा गया है, जो रिलेटेड टू सम एंटिटी है, विच इज डिराइव फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम, और जो किन इवेंट के बारे में बताती है, या तो एसपीएल जो हुए हैं पूरे साल, या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर जो फाइनेंशियल पोजीशन थी। बोल रहा बेटा, समझ आया या नहीं आया, आवाज में दम नहीं है, यस या नो, लिखो फिर मेरे साथ, पहले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। कह रहे हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस
पहली बात इंफॉर्मेशन जो क्या करी गई है, एक्सप्रेस्ड करी गई है इन फाइनेंशियल टर्म, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस्ड करी गई है इन फाइनेंशियल टर्म। और बताओ बेटा ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन रिलेशन टू अ, इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर ये किसी एंटिटी को बिलोंग करती है। कौन सी एंटिटी, जिसका हमने ऑडिट करने जाना है, यानी हमारी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। और बताओ बेटा ये इंफॉर्मेशन आपने क्या करी है, डिराइव करी है, कहां से डिराइव करी थी, अकाउंटिंग सिस्टम, वेरी गुड। ये इंफॉर्मेशन आपने क्या करी है, डिराइव प्राइमरली फ्रॉम द एंटिटीज, ये एक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पर्टिकुलर एंटिटी है, डिराइव करी है प्राइमरली फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन डिराइव करी है किसके बारे में करी है, अबाउट, अबाउट क्या, अबाउट क्या, पहला इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड्स, इकोनॉमिक इवेंट्स इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड, यानी सीधी सी बात बोल रहे हैं पास्ट टाइम पीरियड, पास्ट टाइम पीरियड समझ गए, जो समय बीत गया उस, तभी तो ये हिस्टोरिकल है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा जल्दी दसना, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन और सर्कमस्टांसेस, उन इकोनॉमिक कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस आप बताओ जो किससे रिलेटेड होंगे, एट पॉइंट इन इन टाइम इन द पास्ट। देखो सारी बातें पास्ट से रिलेटेड हो रही है, वैसे तो सारे आपको क्या कहते हैं पास्ट वाली बातें भूल जाओ यार, जो पास्ट में हुआ वो हुआ, छोड़ो परे। कई बार आपने सुना होगा या किसी को समझाया होगा, छोड़ यार पास्ट में जो होना था वो हो गया, आगे की सोच, समझ रहे हैं आप बात। पर यहाँ हम ऑडिटर को ऐसा नहीं कह सकते चल जो हुआ सो हुआ चल छोड़, नहीं भाई, ऑडिटर तो पास्ट से ही डील करता है, समझ आ रहा आपको। चलें आगे बातें करें, बोलो बेटा यस और नो, चलो जी बहुत बढ़िया। तो यानी ये पास की एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली कौन सी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होती है या फिर बैलेंस शीट, हस्बैंड बनाते हैं बैलेंस शीट वाइफ से खा खा के। चलें आगे बातें करें, बोलो बेटा यस और नो, चलो जी अगली बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। एक बारी आपको बोलना पड़ेगा, अगली बात करते हैं हम किसकी, मैं आपको बताता हूं आप मुझे बताना, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हो चुका है या जो अभी होना है फ्यूचर में। लेट सपोज वरोनिका को लोन चाहिए 10 करोड़ रुपए का, ये बैंक में गई, 2 मिनट लगे बैंक वालों को, सिर्फ 2 मिनट लगे बैंक वालों को, बाकी आप समझ गए,
ठीक है ना। दो मिनट में बैंक वालों ने कहा जाओ यार जाओ, नहीं नहीं लोन हो पाएगा। फिर ये किसी सीए के पास गई और सीए को जाकर कह रही है कि मेरी ना फ्यूचर की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, बैंक को बता दो कि आने वाला टाइम तेरे भाई दा, समझ रहे हो, आने वाले 5 साल में हमारे को इतना इतना कैश आएगा, आने वाले 5 साल में हमारे को इतना इतना कैश आएगा और इतना एक्सपेंस होगा, इतना कैश हमारे पास होगा और हम आपका लोन आराम से पे कर देंगे। फिर बैंक को 2 मिनट लगे इनको बिठाने में वापस, समझ रहे हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समझ आ गया, जो इंफॉर्मेशन अभी बनी ने, अभी ये होगी चीजें। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तांत्रिक है? क्या वो श्योरिटी देता कि ऐसा पक्का पक्का होगा? नहीं, वो देता है एश्योरेंस, वो देता है अपना ओपिनियन प्रैक्टिशनर कि ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है ऐसा ही होगा। अभी हम पढ़ेंगे एक बात एश्योरेंस वर्ड का मतलब बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एश्योरेंस वर्ड का मतलब, पर अभी के लिए तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भाई ऑडिट तो उसका होगा ना, जो हो चुका उसको चेक करूं, जो हुआ ही नहीं उसको कैसे चेक करूं? तो इनका ऑडिट नहीं होता, इनका ऑडिट आवाज में दम नहीं, इनका ऑडिट तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, आओ जरा पहले एक बार उस पर वर्क करते हैं। ये देखो क्या कह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बेस्ड ऑन द एजम्पशंस होती है कि आगे ऐसा ऐसा होगा, अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर, दैट मे अकर, कंफर्म नहीं है ऐसा होगा ही होगा भाई, शैल नहीं लिखा, क्या लिखा है, मे, दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। बोलो बेटा समझ आना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, आवाज में दम नहीं है, यस या नो? तो बताओ बेटा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच आर बेस्ड बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, जो एजम्पशन पर बेस्ड करती है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सकता है, एजम्पशंस अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर, दैट मे अकर इन द फ्यूचर, दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। तो आपके हिसाब से ऑडिट किसका होता है, आवाज में दम नहीं है, ऑडिट किसका होता है बेटा, तो यहां नीचे ऑडिट लिख के इसका होता है और इसका नहीं, इसका इसको इसको हम ऑडिट नहीं कहते, चले आगे बात करें, चलो डेफिनेशन पर हम आगे चलते हैं बेटा, प्लीज डेफिनेशन पर हम आगे चलते हैं, आना जरा क्या था, आप जरा पहले यहां तक डेफिनेशन को लेकर आओ फिर मैं आगे चलता हूं आपके साथ, चले चलो बताना स्टार्ट करो। ऑडिटिंग इज एन अब आगे आ जाओ ऑफ एनी एंटिटी,
वर्ड क्या लिखा है? ऑफ एनी एंटिटी. वर्ड पकड़ना बेटा, क्या लिखा है? ऑफ, मजा ही नहीं आ रहा. ऑफ एनी, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ एनी एंटिटी का मतलब किसी भी तरह की एंटिटी है. देखो मैं आपको बताता हूं, सुनना जरा. वैसे जनरल में देखो, जहां जहां पैसा आता है या जाता है वहां वहां हम क्या बनाते हैं? हिसाब रखते हैं. अब आप बताओ, आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी है, ठीक है, आपको पैसा आया. अब आपने वो पैसा पूरे महीने खर्च करा, फिर आप हिसाब लगाते हो, यार इस पापा ने 10,000 दिए थे, उसमें से ये 1,000 यहाँ लग गया, 1,000 यहाँ लग गया, 1,000 यहाँ लग गया. तो यानी आप हिसाब लगाते हो, समझ आ रहा है? फिर हिसाब लगाने के बाद उस हिसाब को चेक भी करते हो. तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहाँ हिसाब है. हिसाब का मतलब अकाउंट्स है, और जहाँ जहाँ अकाउंट्स है वहाँ वहाँ ऑडिट है. यानी इन शॉर्ट, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहाँ सीए है. ये ही सही है, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहाँ सीए. समझ आ रहा है आपको? सीए का कनेक्शन पैसे से है, है ना? वो देखो जी, एनी एंटिटी का मतलब बताऊं क्या हो गया? किसी भी तरह की एंटिटी हो. इसके अंदर मैं आपसे एक बात करवाऊंगा. एनी एंटिटी में अगर मैं आपसे बात करूं, भाई बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने क्या वर्ड यूज करा है? एंटिटी नहीं यूज करा, क्या करा है? एनी एंटिटी. किसी भी तरह की एंटिटी हो, बिग साइज हो या स्मॉल साइज हो. समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या कह रही है, सुनना जरा. एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या कह रही है? हम तो चैरिटेबल लोग हैं, हम चैरिटेबल लोग हैं, ठीक है ना, हमारा ऑडिट क्या करना है करवा कर. हम तो लोगों के दान पर जी रहे हैं, और हम तो इस विचार के हैं कि जिंदगी में हर कुछ पैसा थोड़ी होता है. हम तो उस विचार वाले लोग हैं, यस और नो? तो देयरफोर हमारा ऑडिट करके क्या करोगे? तो लॉ कहता है भैया इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड है या आप एनपीओ है, ऑडिट तो होगा ही होगा. चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे आप क्या हो, एनपीओ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि सबसे ज्यादा एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, ये दुनिया में पाप हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आवाज में दम नहीं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कलयुग है बेटा, पाप हो रहे हैं. पाप ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं. और बेटा पाप धोने का रास्ता बेटा दान पुण्य करो. और आप दान बताओ बेटा, फिर दान कितना हो रहा होगा? आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनके पास जगह होती है, आप एक हल्की सी दो गज की दुकान नहीं खरीद पा रहे, और वो इतने बड़े बड़े आश्रम. बाबा जी, यस और नो? इतने बड़े बड़े आश्रम कहां से बनते जा रहे हैं? आप बताओ, आपके पिताजी का देख लो, पूरी जिंदगी बीत गई, आप अपने लिए भी नहीं पैसा रोक पाते, आपके ऊपर लगा देते हैं. प्रॉपर्टियां खरीदनी तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है. वो लोग सही थे जिनके दादा वगैरह ने खरीद ली या परदादा ने, और वो लोग हमारे जैसे जो हमारे दादा वगैरह, अरे वहां क्या होगा, जंगल ही तो है. अरे भाई जंगल ही तो कमाल कर गया, साउथ दिल्ली पूरी जंगल थी, कमाल करके गुड़गांव. और हम देखो आज भी कह रहे जंगल ही तो है, दिल को हौसला देने के लिए. लेकिन बताओ बेटा, जंगल है इतना मंगल है, ठीक है? तो भाई ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है. आप किसी देख लो, हॉस्पिटल जनरली चैरिटेबल में रजिस्टर्ड होते हैं. सुबह 2 घंटे की ओपीडी लगाते हैं, 10 पर्चियां देंगे 200 की, पूरा दिन 2,000 की पर्चियां काटते हैं. और जो 200 में दिखाने जाते हो ना, आपको बताइए क्या हाल होती है, अरे मेरा नंबर है, अरे तेरा नंबर है. समझ गया आप बात? यही कर करके टाइम निकल जाता, डॉक्टर उठ के निकल गया, आप कल आना, 6 महीने बाद की डेट दे देते हैं, पैसे नहीं लिए ना. अब बताओ, लेकिन हॉस्पिटल्स वगैरह के पास पैसा नहीं है क्या? हॉस्पिटल के पास पैसा नहीं है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा उनके पास है. अच्छा, उसके अलावा आश्रम खुले हुए हैं, ठीक है ना, बाबा जाने मन की बात. पॉइंट समझ रहे हैं आप? कितने बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, कितने ज्यादा पैसे हैं उनके पास. तो भाई उनका ऑडिट नहीं होना चाहिए?
उसके अलावा एक और बात जरा सुनना, एक और बात जरा सुनना बेटा, क्लास इलेवंथ की बिजनेस स्टडी थोड़ी बहुत याद है? अरे सर हमें लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो नहीं याद है, आप इलेवंथ की बातें करते हो यार। आपने एक चैप्टर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इतना तो याद है? कई तो यही सोच रहे हमने पढ़ा था या नहीं, और कई ये सोच रहे कहाँ पढ़ा था, ठीक है ना बेटा। आपने बिजनेस स्टडी, अरे बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट हुआ करता था आपका, ठीक है ना, बेस्ती। कहाँ जा रहे हो? बेस्ती क्लास, समझ आ रहा है? एक सब्जेक्ट होता ना आपका बेस्ती। अब एक बात जरा सुनना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं। आप सोल प्रोप्राइटर के रूप में भी बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप फर्म के रूप में भी बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी के रूप में बिजनेस कर सकते हो, HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांच फॉर्म पढ़ी थी, और सिक्स्थ आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी LLP। छह तरह की ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन? छह तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं। तो क्या इन छहों को ऑडिट करवाना है? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल फॉर्म सबको ऑडिट कराना है। जहां हिसाब है वहां पर, जहां पर पैसा है वहां हिसाब है, और जहां हिसाब है वहां अकाउंट बनकर ऑडिट हो गई होगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखो लिखा भी हुआ है, कह रहे हैं एनी एंटिटी को ऑडिट कराना है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे उसका सपना मनी मनी है या नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, कोई भी साइज हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, सबका ऑडिट होगा। और लीगल फॉर्म, कोई भी उसकी लीगल फॉर्म है, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो HUF है, वो कंपनी है, वो LLP है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? ऑडिट। तो यानी ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, बोलना पड़ेगा क्या? एनी एंटिटी, एनी एंटिटी को भी नीचे डिफाइन करते हैं क्या, वेदर, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, बोलना आपको पड़ेगा, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म, आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो बेटा। चलो जरा सुनना, ये देखो लिखा भी हुआ है, प्लीज, कह रहे एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन नीड नॉट नेसेसरली बी अ प्रॉफिट ओरिएंटेड। कह रहे ये जरूरी नहीं है जिस एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या ही हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड। लाइक इन केस ऑफ बिजनेस इट कैन बी NPO, लाइक एन NGO और चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट स्मॉल मीडियम लार्ज, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर। वो एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, यानी सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अपने को कोई ऑडिट तो होगा ही हो। सुन रहा है ना? यस, आओ फिर। एंटिटी का मतलब यहां पर क्या आ गया? चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, आप स्मॉल हो, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, देखो ऑडिट तो होगा ही होगा। अच्छा, आपकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो, लीगल स्ट्रक्चर या फॉर्म कुछ भी हो,
आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनरशिप फर्म हैं, आप एलएलपी हैं, आप कंपनी हैं, आप कोई चैरिटेबल सोसाइटी वगैरह हैं, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हैं, या आप ट्रस्ट एक्सेट्रा हैं, ऑडिट तो होगा ही होगा। एक सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताना, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लॉसेस में रहती है, वो दुनिया को कह रही है मैं तो लॉस में हूं, तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नुकसान में हूं, मैं पहले ही नुकसान में हूं, ऑडिट का खर्चा और बांध लूं और ज्यादा नुकसान पर चले जाऊंगी। आप बताओ बेटा, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाने हैं या नहीं करवाने? क्या कह रहे हो? करवाने हैं। बिल्कुल सही जवाब। लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑडिट करवाना है। रीजन पता नहीं, झूठ ना बोल रहे हो, हो सकता है हो, प्रॉफिट बता क्या रहे हो, चेकिंग तो करें। तो इवन लॉस मेकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। नीचे नोट लिखें, ग्रीन बनाएंगे नोट। इवन लॉस मेकिंग यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। इवन लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अकाउंट्स क्या कराने पड़ते हैं? ऑडिट। बोलना आपको पड़ेगा, इवन लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अकाउंट्स क्या करवाने पड़ते हैं? ऑडिट। बोलो जी, बोलो, समझ आया कुछ या नहीं आया? चले देखो यार, ऑडिट की डेफिनेशन में आप थोड़ा आगे तक पहुंच चुके हैं। आप ये कह रहे हो ऑडिटिंग एक क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यहां तक आप लेकर आओ, फिर आगे मैं ले चलूंगा आपको। यहां तक की डेफिनेशन माइंड में फिट करो ना। और आपको पता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट। अभी मैं पेपर पैटर्न वगैरह आपको बताऊंगा क्या होता है, तो आपको बताऊंगा ये 2 मार्क्स का कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका है ऑडिटिंग की डेफिनेशन से ही, ठीक है ना। अभी आपको बताऊंगा पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। पहले कुछ जान तो लें सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या आता है, कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, हैं? तो आओ जरा अभी तक की मुझे बातें बताओ, क्या है ऑडिटिंग? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलना पड़ेगा, ऑडिटिंग एक किस चीज की? ऑफ। सर आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते थे। बेटा सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो कहते हैं, तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। तो ऑडिटिंग एक क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है ना। एनी एंटिटी बोला मतलब कोई भी एंटिटी हो, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। अब मैं आपसे एक बात पूछूं यार, अभी ब्रेक होगा, आप कुछ खाओगे? खाओगे ना? क्यों खाओगे? हाँ जी, भूख लगी है। यानी आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे का एक कारण होता है, भाई मैं खा रहा हूं मेरे को भूख लगी है। बीच बीच में आप बोतल खोलते हो और पानी पीते हो, क्यों पीते हो? क्योंकि गला सबका सूखता है और प्यास सबको लगती है, यस और नो? यानी कोई भी काम करते हो उसके पीछे का रीजन होता है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं। आप सब यहां पर आए हो, आपके दोस्त यार हो सकता है मूवी देखने जा रहे हो, पर आप यहां आए हो किस लिए? सीए बनने, पढ़ाई करने। यानी हर चीज के पीछे का एक कारण होता है, हर चीज के पीछे का एक क्या होता है? तो भाई ऑडिट करने का भी तो एक कारण होगा, वही तो कहेंगे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रहा है आपको? तो जरा सुनना, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा, प्लीज प्लीज आप सब बच्चे इधर ध्यान दो, आपको समझ आएगा।
कह रहे हैं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी एंटिटी की है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड थी या नहीं, चाहे उसका साइज स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी था, लीगल फॉर्म कोई भी थी, उसको ऑडिट तो कराना है। लेकिन ऑडिट हम कब कहेंगे, हम कब कहेंगे ऑडिट, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू। बेटा विद अ व्यू का मतलब विद एन ऑब्जेक्टिव, हम ऑडिट कब कह पाएंगे, जब बेटा आप इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि एट द एंड मुझे इस पर क्या देना है ओपिनियन, किस पर, देयर ऑन का मतलब यहां पर क्या है, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, देयर ऑन का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है? यार कोई भी काम करते हैं पर्पस होता है, मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं, पर्पस है ना कि बच्चों का भला हो जाएगा। हंस क्यों रहे हो, हेलो हेलो, जिंदगी में हर कुछ पैसा ही तो होता है, यानी अपना सपना मनी मनी, देख रहे हो आज अपने टीचर को पैसों में तोल दिया, कोई बात नहीं तोल लो कोई दिक्कत नहीं, आंट दो बस, ठीक है, सुन रहे हो आप, कह रहे हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, चल यार सो जाते हैं, कई बार आप होता है ना कि चल यार रात को रात हो गया भाई सो जाते हैं, अब बताओ सोने का भी एक क्या है पर्पस कि रेस्ट हो जाएगा, हर चीज का एक पर्पस है, समझ आ रहा है आपको, चल यार डाइटिंग कर लेते हैं भाई, डाइटिंग करने का भी क्या है एक पर्पस, ठीक है ना, पॉइंट समझ आ रहा है, कोई भी चीज कर लो हर चीज का एक पर्पस है, समझ आ रहा है आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है इसका भी एक पर्पस है कि नहीं नहीं जो बच्चे नहीं आ पाए आज उनको क्लास मिल जाए, ठीक है, जो बच्चे गूगल ड्राइव में उनको क्लास मिल जाए, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, और पैसा आंट दो, ये देखो कह रहे इसका पर्पस है और पैसा आंट दो, वेरी गुड बेटे, आप तो बहुत टेक्निकल है, शुक्र है आपको मैं बेसमेंट में नहीं पढ़ाता, आपकी थिंकिंग तो और डीप हो जाती, अभी तभी आपको सेकंड फ्लोर पे पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उचिया ने गल्ला तेरे यार दिया। कह रहे व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, जब ये एग्जामिनेशन करी जा रही है, ऑडिट तभी कह पाएंगे जब ये एग्जामिनेशन कर पा रहे हैं, कब, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस, ताकि हम एक्सप्रेस कर पाए क्या ओपिनियन देयर ऑन, किस पर ओपिनियन देयर ऑन, देयर ऑन का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, समझ आ रहा है आपको, लिखो जरा, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू, विद अ व्यू मतलब विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस व्हाट, टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, और देयर ऑन का मतलब यहां पर क्या हो गया, और आ व्यू की जगह एन ऑब्जेक्टिव, थोड़ा आसान लैंग्वेज के लिए, हाँ जी कुछ आया समझ, मुझे लास्ट लाइन आपको याद करवानी है पहले, कह रहे व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, एक बार मेरे साथ साथ बोलो आपको लर्न होनी स्टार्ट हो रही है, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, दोबारा बोलना पड़ेगा क्या, इज कंडक्टेड, इज यहां तक दोबारा लेकर आओ, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड किस लिए, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है ना, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, और यहां पर देयर ऑन का मतलब
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बार पूरी डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलेंगे, फिर मैं आपको ओपिनियन वर्ड को डिफाइन करता हूं, फिर मैं आपको ओपिनियन वर्ड को डिफाइन करूंगा। ओपिनियन के लिए हम बनाएंगे पॉइंट नंबर कौन सा, लेकिन पहले आप मुझे यहां तक की बातें बताओ यार, यहां तक की बातें आप मेरे को बताओ। स्टार्ट होना मेरे साथ साथ, स्टार्ट होंगे आप सब मेरे साथ साथ, हैं हो रहे हैं आप सब, चलो आठ दो फिर। क्या है ऑडिटिंग इज एन एनी एंटिटी विद अ वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of the size of when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon with an opinion thereon। opinion का मतलब क्या होगा, आज जरा करें कुछ बातें। आपको क्या लगता है, इधर जरा सुनना, ऑडिटर ओपिनियन देता है सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता, फर्क होता है क्या ओपिनियन और सर्टिफिकेट में, क्या ओपिनियन और सर्टिफिकेट में फर्क होता है क्या? ओपिनियन आप देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ओपिनियन आप देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, है ना, और सर्टिफिकेट तो आप किसी को सर्टिफाई कर रहे हैं, क्या फर्क होता है ओपिनियन और सर्टिफिकेट में, क्या फर्क होता है? आप सबके समक्ष जयंत की आवाज, यस। अपनी कौन सी वाली राय ऐश्वर्या? बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। कोई बताना चाह रहा कुछ? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं, आपको फर्क समझ आ जाएगा ओपिनियन और सर्टिफिकेट में। आप मेरे पास एक अपना सीए का फॉर्म अटेस्ट करवाने आए, मैं उस समय सर्टिफाई करता हूं, मैं उस समय क्या करता हूँ, आवाज मैडम ने क्या करता हूँ कि यही बच्चा है जिसका मैं फॉर्म अटेस्ट कर रहा हूँ, जेन्युइन बच्चा है, इसकी ही मार्कशीट है और किसी की नहीं है। यानी जब मेरे को 100% किसी को श्योरिटी देनी होती है ना, तो मैं इश्यू करता हूँ क्या, समझ आ रहा है आपको, 100% के लिए दिया जाता है, पक्का बक्का ऐसा ही है, पक्का बक्का ऐसा ही है, तो मैं देता हूँ सर्टिफिकेट। लेकिन रिपोर्ट में देता हूँ, जरा सुनना, आप बचपन में पढ़ते थे इंग्लिश, बचपन में पढ़ते थे ना इंग्लिश, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते थे, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता था, आप खड़े हुए हैं, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हुआ, लिखो इस पर रिपोर्ट राइटिंग, तो आप बताते थे मेरे हिसाब से ये हुआ, एक बंदा खड़ा हुआ था, एक हैवी ड्राइवर आ रहा था ट्रक चलाकर, हैवी ड्राइवर समझ रहे हो, जिसका फेवरेट नंबर 69 होता है, होता बेटा समझ आ रहा आपको, एक हैवी ड्राइवर आ रहा था, ठीक है ना, उसने कई बारी बोला भी हट जाता पाछे ने, सॉरी समझ रहे हो, और बताओ वो हटा नहीं और वो ट्रक उसके ऊपर से निकल गया, वो बंदा एक बारी ट्रक के नीचे और फिर काफी ऊपर, हम तो उड़ गए वो बंदा, इसके ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते थे, आप बोलते थे मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा था, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आता है वो चेक करता है कि सच्ची में ऐसा ऐसा था या कैसा था। तो यानी आपने तो अपना हिसाब बताया ना, हो सकता है वैसा ना भी हो। जैसे अगर मेरे से पूछे जयंत के बारे में, मान लेते जयंत की शादी हो रही है, भाई जयंत के चेहरे पे स्माइल देखिए, जयंत की शादी हो रही है, तो बताओ बेटा जब शादी होती है तो इंक्वायरी जाती है ना कि यार वो लड़का कैसा है। जैसे अब मान लेते हैं जयंत के बारे में पूछने के लिए इसके घर वालों के पास भी गए, पड़ोस में भी गए, और मान लेते हैं सेंटर पे भी आए, हमारे से पूछा जयंत कैसा है,
मैंने कहा हमारे हिसाब से तो ठीक है, यहाँ तो पढ़ने वाला बच्चा लगता था, हमारे हिसाब से ठीक है, हो सकता है बाहर जाके पता नहीं क्या करता हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैंने तो अपना हिसाब बताया, बाकी हो सकता है मेरा हिसाब गलत भी निकले। समझ रहे? पॉइंट क्लियर हो रहा है? हमें ओपिनियन देना था, ऑडिटर को ओपिनियन देना था, एग्जाम्पल दे तो ऐसा क्यों? ऑडिटर के लिए ओपिनियन क्यों रखा, सर्टिफिकेट क्यों नहीं रखा? अच्छा, क्या आप जियो जानते हो? जियो, हाँ जी जानते हो। जियो के कितने यूजर होंगे आपके हिसाब से, अंदाजा बताओ कोई भी? लाखों में कितने लाखों? चलो आपकी बात मान लेते हैं, 40 करोड़। ठीक है, जियो के 40 करोड़ यूजर हैं। अब जरा सुनना, एक यूजर का एक महीने का एक बिल जाता है, ठीक है, और 12 महीने में 12 बिल, तो बताओ बेटा 40 करोड़ यूजर के 480 करोड़ बिल है। मैंने आपको चेक करने के लिए दे दिया, आप ऑडिटर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। कह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, रजनीकांत थोड़ा हूं। बताओ क्या 480 करोड़ वाउचर्स, 480 करोड़ बिल आप चेक कर पाओगे? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ सैंपल निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे और उस सैंपल निकालकर उसको चेक करेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जब मैंने सारा कुछ सही करा, चेक करा ही नहीं, जब मैंने सारा कुछ चेक करा ही नहीं, तो मैं सारी अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ 100% करेक्ट है या नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? इसलिए तो वर्ड क्या यूज हुआ है, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर क्या वर्ड यूज नहीं हुआ? ट्रू एंड करेक्ट। मैंने ट्रू एंड करेक्ट वर्ड नहीं बोला, ट्रू एंड फेयर वर्ड बोल दो बेटा, ट्रू एंड आवाज में दम नहीं, ट्रू एंड मैंने फेयर वर्ड का यूज करा है, मैंने करेक्ट शब्द का यूज नहीं करा। सुन पा रहे हैं हम मेरी बात? आईसीआई ने ट्रू एंड फेयर ओपिनियन कि यार मेरे हिसाब से फेयर है सब कुछ, मेरे हिसाब से करेक्ट है, ये नहीं बोला। ये तो मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल दिया सैंपलिंग, वन ऑफ द एग्जाम्पल दिया कि ऑडिटर सैंपलिंग करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यार आप 30% या 30-40% कोर्स पढ़कर जा रहे हैं, आप श्योर हैं आप पास हो जाएंगे? 50% कोर्स करके जा रहे हैं, श्योर हैं पास हो जाएंगे? लेकिन अगर 100% करके जा रहे हैं, श्योर हैं पास? नहीं बेटा, अरे जब आप 100% कोर्स करके जाते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल अप ही होता है आपका, पास तो हो ही जाएंगे, एग्जेम्पशन के पक्का ना, यही तो कह रहा हूं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ओ भाई जब आप चेकिंग ही कम करेंगे, जब आप चेकिंग ही कम करेंगे, प्लीज जब आप चेकिंग ही कम करेंगे, तो बताओ बेटा आपको कॉन्फिडेंस भी पूरा नहीं होगा, तभी तो आप रिपोर्ट दे रहे हो कि मेरे हिसाब से ऐसा है, मैंने तो इतने के बेसिस पे बोल रहा हूं। और जरा सुनना, अच्छा डेप्रिसिएशन लगाने के दो फेवरेट मेथड आपको पता है कौन कौन से? ये दो फेवरेट मेथड आपको पता है ना, और दोनों आईसीआई ने बताया है, क्या किसी की गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब जरा सुनना प्लीज, प्लीज इधर ध्यान दो। क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट की मैनेजमेंट एसएलएम यूज कर रही है, और ऑडिटर के हिसाब से डब्ल्यूडीबी लगना चाहिए। ऑडिटर के हिसाब से क्या लगना चाहिए? आवाज मैडम नहीं, ऑडिटर के हिसाब से क्या लगना चाहिए? पर ऑडिटर फिर भी कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि एसएलएम को गलत कैसे कहे? एसएलएम भी तो ठीक मेथड है। अकाउंट्स में कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करेगा, ये डिसाइड करने की पावर मैनेजमेंट के पास है, और मैनेजमेंट एसएलएम यूज कर रही है। ऑडिटर के हिसाब से डब्ल्यूडीबी होता तो ज्यादा बेटर, ऑडिटर सजेशन दे सकता है, पर करवा थोड़ा ना सकता है जबरदस्ती पकड़ के, कर भाई चेंज कर, ऐसे थोड़ा करेगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरा? तो यहां पर ऑडिटर क्या कह सकता है? ट्रू एंड करेक्ट थोड़ा कहेगा, कहेगा ठीक है, ठीक है, पर मैं कहूँ 100% सही है ऐसा नहीं मैं कह पाऊंगा। समझ आ रहा है? अच्छा एक और बात बताओ, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन जो करने आते हैं, गलत बोल के देखो जेल में डाल देंगे, ऑडिटर जेल में डाल पाएगा? ऑडिटर तो बातों पर विश्वास कर लेगा, ठीक है भैया ऐसे कह रहे हो। ऑडिटर के पास इतनी पावर होती ही नहीं है जितनी एक इन्वेस्टिगेटर के पास पावर होती है। इन्वेस्टिगेटर तो क्या कर सकता है, उठा के जेल में डाल देगा और आपको कहेगा पोषण पा भी, पोषण पा बताओ, ऑडिटर नहीं पोषण पा खिलवा सकता किसी को, यस और नो? तो ऑडिटर के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए ऑडिटर को कहा गया तू क्या दे दियो ओपिनियन। समझ आ रहा है आपको?
ऑडिटर को कह दिया है, क्या कह दे दियो तू, ओपिनियन सर्टिफिकेट पे बच जाइ हो, समझ आ गया, 100% नहीं होगा। और आगे जाके चलो और बातें भी करेंगे, तो ओपिनियन समझ आ गया। और ट्रू एंड फेयर वर्ड क्यों यूज हुआ, ट्रू एंड करेक्ट शब्द क्यों नहीं यूज हुआ, कि ये कंपनी की क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट है, ये शब्द हमने क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि ऑडिटर भाई उतना काम ही नहीं करता कि वो बोल पाए कि ट्रू एंड करेक्ट है। ऑडिटर सिर्फ क्या बोलता है, ट्रू एंड फेयर है, मेरे हिसाब से ठीक है या गलत है, मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब गलत भी निकल सकता है, मेरा हिसाब गलत भी निकल सकता है, ठीक है ना। कई बार होता ही है, पेरेंट्स सोचते रह जाते हैं हमारे बच्चे जैसा कोई है नहीं, हमारे बच्चे जैसा कोई है नहीं, थोड़े दिन बाद जब कंप्लेंट आती है स्कूल से पता चल जाता है कि आपका बच्चा, समझ गए आप, ज़्यादा ही समझ गए, वापिस आओ, इतना नहीं समझना, आपका बच्चा पढ़ने में नलायक है, आपका बच्चा जो है क्लासेस अटेंड नहीं करता, क्लासेस बंक करता है, आप पेरेंट्स चौंक जाते हैं, यार हमारे हिसाब से तो हमारा बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, हमारा ये उनका ओपिनियन था, और ओपिनियन गलत भी हो जाते हैं, समझ आ रहा आपको। लेकिन सर्टिफाई मैंने बोल दिया ना, ये CBSE की मार्कशीट 10th की इनकी ही है, तो इनकी ही है फिर, ये उसमें मेरे को 100% कॉन्फिडेंस देना पड़ता है सामने वाले को। तो लिखो जरा, एट द एंड ऑफ ऑडिट, ओपिनियन वाले पॉइंट के अंदर, एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड to express his opinion on the financial statement अभी एक वर्ड लिख लो, prepared and presented, एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ द कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट करने जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑडिटी भी कह सकते हैं, दोनों टर्म एक्सेप्टेबल है। ICI मॉड्यूल में क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत ज़्यादा यूज हुआ, क्लाइंट पर गए हम, क्लाइंट पर समझ गए, जिसके अकाउंट्स चेक करने गए हैं, ठीक है बच्चे, पक्का, अच्छा। सच ओपिनियन आर इन such opinion is in the written form and expressed in the audit report which indicate true and fairness of the financial statement of client. बोलो जी बोलो, यहाँ तक का पॉइंट आप सबको समझ आ गया, ठीक है। मुझे एक बारी ब्रेक पे जाने से पहले जो हुआ एक बार रिवाइज करा दो, ताकि मैं उसके बाद ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। पहले जो हुआ हमारे ऑडिट की डेफिनेशन जो हुई है उसको एक बार लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पेपर नंबर अपना कौन सा है, 8 दो, पेपर नंबर पक्का, सब्जेक्ट का नाम, आवाज में दम नहीं है क्या,
ठीक है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स इसका नाम है। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही हुआ था ऑडिट होती क्या है। ऑडिट का मतलब किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। तो जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है वो ऑडिटर, चेकिंग करने को ऑडिटिंग, और चेकिंग करने के बाद जो वो रिपोर्ट देगा ऑडिट रिपोर्ट, खत्म। फिर बताओ ऑडिटिंग की डेफिनेशन सुनाना स्टार्ट करो, क्या है ऑडिटिंग। इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, जब ऑडिट करने वाला पर्सन क्या होगा, इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है आपको? और इंडिपेंडेंट कब है, जब वो किसी के अधीन नहीं है, सबॉर्डिनेट नहीं है उसके एक्शन जजमेंट डिसीजंस, है ना, और वो उसका किसी भी तरह का क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, और ये सब चीजें कहां बोली है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एसए 200 में, कंपनी एक्ट में और सीए एक्ट में। फिर इसके बाद बताओ बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो पैसों की सूचना दे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, जो पैसों की सूचना दे। यस और नो? आवाज मतलब नहीं है, यस और नो? जो पैसों की सूचना दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट स्प्राइट है। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर एक स्ट्रक्चर में डाल दे तो वो क्या बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। हिस्टोरिकल क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म रिलेटेड टू एंटिटी डिराइव्ड फ्रॉम द क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम। और अबाउट क्या होती है, इवेंट जो पास्ट में अकर हुए हैं और एट अ पॉइंट वाले, यानी एसपीएल और बैलेंस शीट। और प्रोस्पेक्टिव क्या होती है बताओ, जो विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन अबाउट फ्यूचर। ऑडिट किसका होता है, हिस्टोरिकल का, प्रोस्पेक्टिव का, हिस्टोरिकल का। स्प्राइट है, एंटिटी हमने पढ़ ली, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है उससे फर्क नहीं है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लीगल फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, कोई भी है, कंपनी है, ऑडिट करवाना है। उसके अलावा फिर आपने अगली बात मेरे से क्या करी, अगली बात ओपिनियन। एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर गया किस लिए था, भैया मुझे ओपिनियन देना। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, वो पूरा करेगा ना। पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, उसको ओपिनियन देना। ओपिनियन किस पे देना, ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट। और क्या बताना उसमें, ट्रू एंड करेक्ट या ट्रू एंड फेयर। करेक्ट मत लिखाना, करेक्ट का मतलब चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑडिटर को रिपोर्ट देनी होती है, सर्टिफिकेट नहीं। ठीक है, अच्छा अब आपका ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। अभी 110 हुआ है, 135 तक आ जाना आप, हैं, मिलते हैं छोटे जय निके जय ब्रेक तो बाद। ब्रेक के उस पर आप सबका स्वागत है। और अब ना पहले अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक अपना पढ़ाई करने का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए ना बेटा हम करने क्या वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो हमें सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी स्टार्ट हो ही गई है। ठीक है, देखो मैं पहले ना आपको अपनी बुक की झलक दिखला देता हूँ कि बुक आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैसे पैटर्न पर है, पता होना चाहिए ना। देखो जी, जैसे ये चैप्टर है हमारा, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, इस तरीके के चैप्टर आपको दिख रहे हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक जो भी एग्जाम में या आईसीआई की तरफ से क्वेश्चन बने हैं, चाहे आरटीपी के, एमटीपी के,
या एग्जाम के, है ना, जिधर भी पेपर है या स्टडी मटेरियल के, वो सब इसी चैप्टर के साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। जैसे अब इसके देखो, प्लान शुड मेट कवर अमंग अदर थिंग्स का क्वेश्चन ये रहे जो अभी तक बोला गया आईसीएआई ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे हम प्लानिंग क्यों करते हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल दिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब आप ये समझ रहे हो, जो टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा उसके नीचे उसके क्या डल जाएंगे सारे, ये देखो क्वेश्चंस, यानी हमने टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, जो आपको बुक मिलेगी ऑडिट में। पहला समझ आ गया, जितनी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए या केस स्टडी क्वेश्चन आए वो आपको टॉपिक के नीचे ही मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने ना मतलब काम फैला रखा होता है, एक बुक अलग थ्योरी की, एक बुक अलग क्वेश्चंस की, एक बुक एमसीक्यू की, क्यों ना एक ही जगह असेंबल कर देना। ये तो वही वाली बात होगी, स्नैक्स खाने वहाँ जाओ, मेन कोर्स खाने वहाँ जाओ, डेजर्ट खाने वहाँ जाओ, अगर वहीं बैठे बैठे सब कुछ एक ही प्लेट पे मिल जाए वहीं पर बैठे बैठे तो कितना मजा है। देखो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और वैसे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना रहेगा, भैया मुझे 5 बुक्स पढ़नी है या मुझे 2 बुक्स पढ़नी है, समझ रहे हो। तो साइकोलॉजिकल भाई ये 5 बुकें खत्म करनी है, भाई ये 2 ही करनी है बस, ऐसी वाली फीलिंग होती है, नंबर गेम साइकोलॉजिकल। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर में आपको टॉपिक के नीचे ही क्या दिख रहे हैं, उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, मतलब आपको टॉपिक बाय टॉपिक, लॉ में भी यही हमने करा हुआ है ना, सेम पैटर्न इस पे ही है। फिर देखो ये चैप्टर के एंड पर, चैप्टर ये देखो ये सारे क्वेश्चंस तो ये डले ही हुए हैं सारे, आप देख ही रहे हैं आपको केस स्टडीज। फिर देखो जो टॉपिक खत्म होगा अब समरी की अलग से बुक क्या देना, टॉपिक के नीचे ही समरी लगा दो, पिछले 12-13 पेजेस की एक ही पेज पे, 2.1 से लेकर 2.13 की एक ही पेज पे समरी दे दी, 2.13 पेजेस की समरी इसी में ही डाल दी टॉपिक के नीचे, मतलब अब आपको 13 वो समरी की अलग बुक देंगे, एमसीक्यू की अलग देंगे, भाई क्या जरूरत है, एक ही में करो ना बच्चे को, क्यों 5 देकर साइकोलॉजिकल परेशान कर रहे हो। तो जरा समझ रहे हो, पहले टॉपिक के नीचे क्वेश्चन और जब वो पूरा कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक उसके नीचे उसकी समरी। फिर और अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद चैप्टर का एंड आ जाएगा, ऐसी टॉपिक और उसके नीचे देखो टॉपिक, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस बन गए। फिर आ गई केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यू, चैप्टर के एंड पर उससे रिलेटेड केस स्टडीज और केस स्टडीज पर बेस्ड एमसीक्यू, फिर केस स्टडी पर बेस्ड एमसीक्यू, फिर एक जनरल एमसीक्यूज, समझ रहे हो। यानी चैप्टर के एंड पर पता होना चाहिए ना बेटा, देखो जो क्वालिटी आपको मिल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। दुकानदार नहीं कहता ये देखो ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, ये हाथ लगा के देखो, वही मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको, आपको फिर पहन कर भी वही वाली फीलिंग आती है अच्छी वाली, भाई मैंने महंगी वाली चीज़ पहनी हुई है। दुकानदार कहेगा ये लो यार ये देख लो कपड़ा, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। आपको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं लाइफ में, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट के एंड पर समरी, चैप्टर के एंड पर केस बेस्ड एमसीक्यू, फिर केस बेस्ड एमसीक्यू के बाद जनरल एमसीक्यू। इतना ही नहीं इसके बाद हर चैप्टर पर बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट और करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजंस। ये देखो पढ़ लो 5 बुक, पढ़ लो 10 बुक, पढ़ लो 15 बुक, पढ़ लो, भाई एक ही में सब कुछ हो सकता है, बच्चे को काम आसान करके दो। पॉइंट समझ आया आपको, तो हमारी बुक का पैटर्न समझ आ गया आपको कैसा होगा। हाँ जी, बच्चा टॉपिक करके उसको नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, और ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से रजिस्टर बनाना है, सामने वाला पेज खाली है लिखो उसी पे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से रजिस्टर, फिर बाद में फिर बात तो वही होगी, ढूंढना भी पड़ा, जो क्वेश्चन है उसके सामने पेज खाली है उस पर आंसर लिखो, और जो आपको आंसर लिखने के बाद आपको लगा कि मेरा ये पॉइंट रहेगा उसको अलग कलर के पेन से लिखो ताकि फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड बन जाए। वो क्या फ़ायदा रजिस्टर में करा, फिर एंड में ढूंढते रहे भाई इसका आंसर कहाँ लिखा था, इसका आंसर कहाँ लिखा था, भाई वो कोई फ़ायदा ही नहीं, यहीं लिखा हुआ है
इन शॉर्ट हमें पता है हमने यही पढ़ना है। ये बुक जो है बुक नंबर वन बुक नंबर टू दो बुक्स के अंदर सब कुछ है। आपको पहले दिन से ही पता होगा कि हमने पढ़ना क्या था। पैटर्न समझ आ गया आपको? अलग अलग हमें कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, हमें समरी के लिए अलग बुक में जाने की जरूरत नहीं है, हमें एमसीक्यू के लिए अलग बुक में जाने की जरूरत नहीं है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट के लिए अलग बुक में जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हमें क्वेश्चन ढूंढने के लिए क्वेश्चन बैंक के लिए जाने की जरूरत नहीं है, यही है सब कुछ। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बुक का पैटर्न? बढ़िया जी। अब ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है चले। अब हम एक जैसे एक सवाल उठता है, आप कोई भी चीज क्यों करते हो? जैसे अब आप क्या कह रहे हो, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या ऐसा कर, ये आमंड्स है बादाम है खा ले। क्यों खा ले? क्यों खा ले? क्योंकि उसके क्या हैं फायदे, उसके क्या हैं। इसलिए ऑडिट क्यों करा जा रहा है? क्योंकि उसके भी कुछ क्या है फायदे। यही हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मतलब तो समझ आ गया, ऑडिट करने के फायदे अगर समझ आ जाएंगे तो फिर आपको ऑडिट का और बेटर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? बेनिफिट्स ऑफ क्या? ऑडिट। देखो मैं आपको बताता हूं, क्या आपको अपने अटेम्प्ट तक मेरी जरूरत है ना? बस क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझसे बेनिफिट है अटेम्प्ट देने के बाद। अरे बोलने की बात है, सच्चाई बोलो। अटेम्प्ट देने के बाद आप कहोगे अब सर को क्या करना है कॉल करके, या सर से क्या व्हाट्सएप करें? उसके बाद तो कोई व्हाट्सएप नहीं करते, क्योंकि जरूरत खत्म, फायदे खत्म। यानी फायदे कह लो या जरूरत कह लो, बात एक ही है। समझ आ रहे ना? आप कई बार कहते हुए भी ये बात सुनी होगी आपको, भाई जब तक मेरे से काम था तब तक तो बहुत मतलब चेप हो रहा था, अब एकदम से क्या हो गया? समझ रहे आप? जब तक उसको नीड थी, बेनिफिट थे, तब तक तो वो जुड़ा रहा। तो नीड और बेनिफिट एक ही बात ही है। जो जब तक एक बंदे से बेनिफिट आ रहे हैं और सामने वाले को उसकी नीड है, ये एक ही बात होती है। तो यानी अगर आ जाए नीड ऑफ ऑडिटिंग, वाई ऑडिट इज नीडेड, या फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, गल एक को ही है, बात एक ही है। समझ रहे आप? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, वाई ऑडिट इज नीडेड, क्या जरूरत है ऑडिट करने की? समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? चाहे इस रूप में पूछ लें या इस रूप में पूछ लें, वाई ऑडिट इज नीडेड, वाई ऑडिट इज नीडेड। समझ आ रहा है आपको? हमें ऑडिट की जरूरत क्या है? हमें ऑडिट की जरूरत क्यों है? अच्छा, चाहे ऑडिट बोल लो या इंडिपेंडेंट ऑडिट बोल लो, समझ आ रहा है? बात एक ही है कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन अगर ऑडिट करेगा तो क्या फायदे होंगे, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ऑडिट बोल लो या इंडिपेंडेंट ऑडिट बोल लो, गल एक को ही है, मतलब बात एक ही है। क्या आपको समझ आया? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कह लो, इंडिपेंडेंट ऑडिट कह लो, ऑडिट की क्या क्यों जरूरत है? देखो ऑडिट करवाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आओ जरा फायदे नंबर वन पर चलते हैं। बताओ बेटा, अगर सबसे पहला अगर मैं फायदा बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं, फिर वापस इसको ऑडिट पे लिंक करेंगे। एक एग्जाम्पल, आप ना सारे घूमी घूमी जा रहे हैं, आप जो हैं सारे घूमी घूमी जा रहे हैं फैमिली में, ठीक है ना? मम्मी पापा बंटी बबली,
समझ आ रहा है आपको? सारे घूमने जा रहे हो, तो पापा ना चलते चलते मम्मी से पूछेंगे, हाँ सामान रख लिया? और कोई भी जो सामान आप लेके जा रहे हैं, सामान रख लिया आपने? तो वो क्या कहते हैं, हाँ मैंने रख लिया, चेक करा था उसमें ये थे? वो कह रहे हाँ चेक करा था। अब बताओ बेटा पूरे रास्ते अब इनको बैग के अंदर क्या क्या उसकी टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि क्या हुई हुई है, चेकिंग। चेकिंग होने से इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बढ़ गई, शक नहीं है। तो यानी पहला पॉइंट यही है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग हो जाएगी तो यो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो कौन है, आवाज में दम नहीं है, जो कौन है बताओ, उनका कॉन्फिडेंस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? क्योंकि अगर अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी भी हाई हो जाती है, क्योंकि इसको चेक करने वाला पर्सन कोई और नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसको चेक करने वाला पर्सन कोई और नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात, यही मैं बात कह रहा हूं। तो ऑडिट से क्या होता है, पहला फायदा क्या होता है, पहला फायदा क्या होता है बताओ बेटा, ऑडिटेड अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ऑडिट से अकाउंट्स की, अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बताओ बेटा कॉन्फिडेंस अमंग्स यूजर भी हाई हो जाता है। यार एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक बात करता हूं, मैंने आपके सामने दो अकाउंट्स रखे हैं, सुनो जरा, सुनो इधर ध्यान दो, यात्री कृपया ध्यान दें, मैंने आपके सामने दो अकाउंट्स रखे हैं, अकाउंट्स नंबर वन, अकाउंट्स नंबर टू। अकाउंट नंबर वन सीए ने चेक करके रखे हुए हैं, सीए ने इसमें चेक करा हुआ कि एस पर एएस लॉ वगैरह बने हैं या नहीं, ये चेक नहीं करे हुए। आपका विश्वास कौन से अकाउंट्स पर बनेगा, है अकाउंट नंबर वन, क्यों उस पर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसको किसी सीए ने, एक एक्सपर्ट ने चेक करा हुआ है, जिसको अकाउंट्स लॉ वगैरह सबकी नॉलेज है, उसने चेक करा हुआ कि ये एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं या नहीं, और इसमें कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है, यस और नो? और दूसरे वाले, दूसरे वाले जिसको किसी ने चेक नहीं करा, उस पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पता नहीं गलत अकाउंट्स ना हो। तो यानी अकाउंट्स, समझ रहे हैं मेरी बात, यहां मैं यही बात कह रहा हूं कि अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है और यूजर्स का कॉन्फिडेंस भी इस पर बढ़ जाता है। समझ आ रहा है आपको? दूसरा, सुनो जी सुनो, दूसरी बात मैं आपके साथ करता हूं, एक बात बताओ, कंपनी के मालिक रोज रोज जाते हैं कंपनी में, वो साल में कितनी बार जा रहे हैं, एक बार, या कोई ईजीएम वीजीएम हो तो दो तीन बार ही, चलो रोज तो नहीं जा रहे, सारे मालिक रोज तो नहीं जा रहे, लेकिन मालिक के बिना जाए भी अकाउंट्स तो बन रहे हैं। अब ये जो अकाउंट्स बन रहे हैं, ये अकाउंट्स बन रहे हैं, इन अकाउंट्स को चेक कौन करेगा, कोई, सीए प्लस सीओपी, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? अब बताओ, ये लोग अपने अपने घरों में चैन से बैठे हैं, किस बात से, कि यार सीए चेक करके बता देगा कि क्या हिसाब ठीक बन रहा है या नहीं, कुछ गलत हो रहा होगा तो सीए अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख देगा, यस और नो? यानी ये लोग जो कंपनी से बाहर हैं लेकिन फिर भी क्या फील करते हैं, सेफ, यानी ये सेफ गार्ड है। अकाउंट्स की चेकिंग करवाना एक क्या है, सेफ गार्ड, बोलना पड़ेगा, अकाउंट्स की चेकिंग करवाना एक क्या है, फॉर एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, पर उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। बताओ बेटा, वरोनिका ने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, रिलायंस कंपनी के अंदर जा पाएगी, जा पाएगी नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, मालिक, मालिक होने के बावजूद भी सारे मालिकों को नहीं अंदर जाने दिया जाता, मालिक अगर अंदर चले जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, रिलायंस के मान लेते हैं 10-15 लाख यूजर हैं, 10-15 लाख मालिक हैं, लेट सपोज, अब 15 लाख मालिक का बिल्डिंग के अंदर घुस गए तो बाकी वो एम्प्लॉय क्या करेंगे, बाहर आना पड़ेगा, काम होगा, तो मालिक रोज रोज थोड़ा जा रहे ले हैं। लेकिन मालिकों को एक बात की तसल्ली है कि इनका हिसाब किताब चेक तो हो ही जाएगा, इनका हिसाब किताब चेक तो हो ही जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो अगर इनका हिसाब किताब चेक हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सच्चाई सामने आ ही जाएगी, हमें जाने की क्या जरूरत है, सेफ गार्ड। समझ आ रहा है आपको? इन केस कंपनी शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर, एज शेयर होल्डर आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल, हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफ गार्डेड बाय एन ऑडिट। दो बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है, अभी नोट्स बना लेंगे, लेकिन दो बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है। क्या? यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बोलना पड़ेगा, यूजर का कॉन्फिडेंस, मजा नहीं आया, यूजर का कॉन्फिडेंस पहला पॉइंट। दूसरा, यूजर क्या फील करते हैं, सेफ गार्ड। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लेट सपोज आपका एक पेपर हो रहा है, आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है, और आपको यह बोल दिया गया जो करना है कर, कोई चेकिंग करने नहीं आएगा आज, मतलब चेकिंग समझ रहे हो, फ्लाइंग नहीं आती है, कह रहे कोई चेकिंग वेकिंग करने कोई भी नहीं आएगा आपके यहाँ, समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा, फिर आप पेपर करते वक्त चीटिंग कराओ या कर सकते हो या नहीं कर सकते? लेकिन अगर आपको पेपर करते हुए ये बोल दिया गया कि भाई बीच में कोई आ सकता है चेकिंग करने, फिर आपको बताओ डर लगेगा या नहीं लगेगा, डर लगेगा या नहीं लगेगा, डर लगेगा। आप कह रहे हो मुझे डर लगेगा, पॉइंट समझ रहे हैं आप? आप कह रहे हो आपको डर लगेगा, तो बताओ बेटा आप चीटिंग करोगे या नहीं, या अगर करोगे तो डर डर के करोगे? यानी अगर कोई चेकिंग करने आता है ना, तो आपके माइंड पर क्या हो जाता है, प्रेशर फील हो जाता है आपको कि यार भाई कहीं आए और मम्मी पकड़ ना ले, तो ऑडिटर क्या करने आ रहा है, चेकिंग, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज फ्रॉड बढ़ाते होंगे या कम करने की कोशिश करते होंगे। यानी ऑडिट ऑडिट वर्क्स एज मोरल चेक, मेंटल प्रेशर ऑन द किस पर, एम्प्लॉयज टू कमिट द फ्रॉड। एम्प्लॉयज इस वजह से क्या कह रहे हैं, देखो ऑडिट की वजह से ऑडिटर एम्प्लॉयज को पता होता है भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा हमारी आकर गलतियां पकड़ लेगा, गलती करी मत, एक बंदा जो है आएगा और हमारी चेकिंग करेगा कि हमने कुछ गलत तो नहीं करा हुआ। तो बताओ कैशियर चोरी करते हुए डरेगा या नहीं डरेगा, आवाज में दम नहीं है, कैशियर चोरी करते हुए डरेगा या नहीं डरेगा? और कैशियर जोड़ो अकाउंटेंट, कैशियर से मिलकर कह रहा है पैसा आएगा जेब में डाल लियो, अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लेगा या नहीं पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। तो यही तो है, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक, किस पर, ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड फॉर द फियर ऑफ बींग डिस्कवर्ड बाय द ऑडिट, अगर हम फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तीन बातें आपको समझ आनी स्टार्ट होने जा रही है, ऑडिट करवाने से यूजर का कॉन्फिडेंस, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, ऑडिट करवाने से यूजर का कॉन्फिडेंस, हमने दिल से बोला है या डर से, दिल से है ना, वेरी गुड, होना भी ऐसे जी, हमारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं दिल से। दूसरा, बैठे बैठे बाहर आप क्या फील करते हैं, सेफ गार्ड, कि भाई सीए जाएगा चेक करने, कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ, सीए जा रहा है ना। तीसरा, एम्प्लॉयज में जो एम्प्लॉयज हैं उसके इसमें क्या होगा बताओ, मॉरल चेक, वो मेंटली प्रेशर में रहेंगे कि भैया फ्रॉड नहीं करना, करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फ्रॉड कम हो जाते हैं इसकी वजह से, यानी ऑडिट की वजह से फ्रॉड कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना, आप रिटर्न पर सीए की स्टैंप लगी हुई है ना, सीए के साइन हुए हैं, गवर्नमेंट कहती है यही इनकम होगी इस बंदे की, यानी ऑडिटेड अकाउंट्स तो गवर्नमेंट भी अपना लेती है, गवर्नमेंट कहती है सीए ने बोला है ना सही है, क्योंकि उनसे ज्यादा अकाउंट्स किसी को नहीं आती, उन्होंने कह दिया ना इतनी ही इनकी इनकम है, इतनी ही है, फिर हमें क्या पूछना। तो यही तो बात है, हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी। बैंक में, बैंक याद है, सुनना वरोनिका याद है, बैंक गई है 2 मिनट में बाहर आ गई, समझ गया आप बात, लेकिन दोबारा अगर बैंक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर गई है कि ये देखो हम, अगर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बैंक विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, उसी समय लोन मिल जाएगा, सीए के साइन करते ही बैंक आपको लोन दे देगा कि ऐसा ही है,
इनके अकाउंट्स में सच्ची में इतने प्रॉफिट हो रहे हैं। तो देखो जरा, रिलाइड अपॉन बाय द लैंडर बैंकर फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन वेदर टू लैंड और नॉट टू लैंड टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। अच्छा, ऑडिट कराने के फायदे अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए बताओ बेटा, आप बताओ ना, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। पहला, ऑडिट से अकाउंट्स की क्वालिटी क्या हो जाती है, और हाई क्वालिटी से बताओ कॉन्फिडेंस। दूसरा, इट एक्ट एज अ सेफ गार्ड फॉर द पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट। समझ आ रहे आपको, दो फायदे। तीसरा फायदा, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फॉर कमिटिंग फ्रॉड। तीन पॉइंट समझ आ गए। फोर्थ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कहती है कि भाई सीए ने कहा है ना इतनी ही इनकम होगी, इतना ही टैक्स बनता है। समझ रहे आप मेरी बात। अच्छा, उसके अलावा बैंक क्या कहते हैं, अच्छा सीए ने कहा है इतनी इनकम है आपकी, ठीक है ले जाओ लोन। यानी बैंक अपनी क्रेडिट डिसीजन इसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता है। उसके अलावा भाई ऑडिट होगा तो फ्रॉड और एरर आंखों के सामने आ जाएंगे, चेकिंग होगी तो भैया जो गलतियां हो रही होंगी वो आंखों के सामने आ जाए, आपको पता चल जाए। आप मालिक हो, एज अ मालिक आप सोचो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चोरियां हो रही हैं, आपको पता ही नहीं है, ऑडिट की वजह से वो भी पता चल गई कि ये बंदा चोर है, ये बंदे में ये चोरी करी है, ये बंदे ने ये चोरी करी है और इसने ये गलतियां करी है। बताओ बेटा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बेटर पता चलेगा। यानी ऑडिट की वजह से आप फ्रॉड और एरर्स को भी पकड़ पाते हैं, ऑडिट की वजह से आप फ्रॉड और एरर्स को भी पकड़ पाते हैं। और देखो एक बात जरा सुनना, अभी मैं ज्यादा तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर एक वर्ड होता है ऑडिट में, कंट्रोल। ऑडिट में एक शब्द होता है क्या, कंट्रोल। क्या होता है कंट्रोल? देखो जिन्होंने लॉ पढ़ी हुई है उनको तो पता भी होना चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सुने थे आपने। जरा सुनना, कंट्रोल बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, हर ऑर्गेनाइजेशन ना कोशिश करती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन एंट्री ना कर पाए, फ्रॉड और एरर, उन कोशिशों को कहा जाता है क्या, कंट्रोल। हर ऑर्गेनाइजेशन एक कोशिश करती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आप कभी मेट्रो पे गए हैं? मेट्रो पे जाते ही आपकी चेकिंग होती है कोई अंदर बम ना लेके जा पाए। समझ आ रहा है आपको, कोई बंदा अपना, कई बार होते हैं ना कि बम ना लेके जाए, आर्म्स ना लेके जा पाए, एम्यूनिशन वगैरह, है ना, तो वो कह रहे हैं कि भैया कोई अनऑथराइज चीज अंदर नहीं जानी चाहिए। तो ये जो आपके वहां पर चेकिंग करने वाले खड़े होते हैं ना सीआरपीएफ के जवान, वो सब कौन है, कंट्रोल ही है। कंट्रोल समझ गए, फ्रॉड एंड एरर को रोके जाने के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए हुए हैं। उसके अलावा एक बंदा मशीन पर बैठा होता है, आपका बैग डाला जाता है, ऐसे बैग जा रहा होता, वो बंदा ऐसे देख रहा होता है, आपको लगता है शायद मैच आ रहा है, नहीं मैच ना आ रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, आपके सामान के अंदर कोई अनऑथराइज चीज तो नहीं है, अगर है तो वो आपका बैग यहीं पर रुकवा लेंगे और आपके आपको भी नहीं जान देंगे, आपके बैग को भी नहीं जाने देंगे। समझ आ रहा आपको, ये कंट्रोल है। अच्छा, आप जब घर से जाते हो, घर के बाहर ताला लगाते हो या नहीं लगाते, क्यों लगाते हो, ताकि आवाज में दमने, ताकि चोर ना आ जाए, यानी वो ताले भी जो आपने लगाए हैं वो क्या है, कंट्रोल। आपके एरिया में सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जाता है, क्यों बिठाया जाता है, कि रात को आराम से आके सो, या आवाजल है जागते रहो तो हम अंदर से बोलेंगे भाई अगर हम नहीं जागना था तो फिर तेरे को क्यों रखा है, जागते रहो बोलता रहता है जो सिक्योरिटी गार्ड। मेरा आपसे एक सवाल है, सिक्योरिटी गार्ड किस लिए रखा है, ताकि आपके एरिया में जो गाड़ियों के टायर चेंज हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, गाड़ियों में से बैटरी चोरी हो जाती है, ईसीएम चोरी हो जाता है, ईसीएम भी होता है, पेट्रोल चोरी, तो टैंकी तो सबके पास होते हैं, पेट्रोल नहीं होता। अच्छा, साइकिल की, अच्छा फिर ठीक है, बाइक की कह रहे हैं पेट्रोल की टैंकी चोरी हो गई थी, तो फिर बाइक में बचा क्या, वो उतार के लेके बंदा कितना गंदा लगेगा, चलाते हुए कितना गंदा लगेगा, खाली है। पॉइंट समझ रहे हैं, तो बता बेटा आपने सिक्योरिटी गार्ड पर लगवाया बिठाया, अच्छा सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाला सब देखता है, क्यों लगवाया, ये सारे कंट्रोल्स के एग्जांपल होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप ऑडिट कर रहे हो,
ऑडिट के अंदर ना तीन स्टेप होते हैं, ऑडिट के अंदर तीन स्टेप होते हैं अगर मैं बेसिकली आपसे बोलूं। सबसे पहले आप अपनी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहे हैं, उनको समझेंगे, समझने के बाद उनके कंट्रोल्स चेक करते हैं और फिर जाकर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाकर आप अकाउंट्स चेक करने बैठ जाते हैं, नहीं, हम आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको अकाउंट्स चेक करने गए हो लेकिन अकाउंट्स चेक करने से पहले भी आप बहुत सारे काम करते हो। सबसे पहले आप क्लाइंट को समझते हो, ठीक है ना, फिर क्लाइंट में कंट्रोल कैसे है वो तो चेक करो। अगर बताओ, एक एग्जांपल के तौर पर आपसे एक बात करता हूँ, अगर क्लाइंट के यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी उनके कंट्रोल कैसे हैं, बढ़िया, तो बताओ बेटा यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस क्या है, कम, तो हम चेकिंग भी कम करते हैं फिर। और अगर वहाँ के कंट्रोल बेकार है, भाई ये तो ताला लगा रखे इतना सा, फूक मारो टूट जाएगा। अब बताओ बेटा, वो आते थे ना उसमें रामायण वगैरह में, वो जो आते थे आग निकाल लेते थे मुंह से, या कभी जो मौत का कुआं वगैरह देखते तो आग लगा, वो आग मारेंगे वो कह रहे ताला टूट गया। मतलब आपने नकली कंट्रोल लगा रखे हैं, तो यानी यहाँ पर फ्रॉड होते होंगे या नहीं होते होंगे, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग ज़्यादा करोगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने चले जाते हैं, पहले हम तो समझते हैं कि क्लाइंट के यहाँ पर क्या क्या है, उनके उनकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं, फिर वो कंट्रोल सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, वो समझने के बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं। तो यानी कंट्रोल सही है या नहीं, ये बात भी हमें ऑडिट के थ्रू पता चल जाती है कि हमारे कंट्रोल्स में कितनी डेफिशिएंसीज हैं, हमारे कंट्रोल्स में कितनी, यानी एन ऑडिट रिव्यू एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन, हमारे यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है और सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, ये बात की भी डेफिशिएंसीज हमें किसके थ्रू पता चल जाती है, ऑडिट के थ्रू। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ऑडिट करने के फायदे समझ पा रहे हैं? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो लिखना जरा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, या हमें ऑडिट क्यों करवाना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स व्हाट, हाई क्वालिटी ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस, किसको, टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा बताओ बेटा, इट एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड फॉर द पर्सन, फॉर द स्टेक होल्डर्स, बेसिकली स्टेक होल्डर जिनका कंपनी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, इट एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड फॉर द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, फॉर द स्टेक होल्डर्स हु आर not involved in the management of the organization. और अगला थर्ड बताओ क्या होगा, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक, किस पर मॉरल चेक, हाँ, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज ठीक है ना, फ्रॉम कमिटिंग व्हाट, फ्रॉड।
कुछ समझ आ पा रहा आपको या नहीं आ पा रहा? फोर्थ पॉइंट बताओ बेटा, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ऑडिटेड अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड बाय रिलाइड बाय कौन? बैंक्स, बैंकर्स कॉमा लेंडर एक्सेट्रा, है ना? फॉर क्रेडिट, फॉर क्रेडिट डिसीजंस, फॉर मेकिंग क्रेडिट, फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन। सिक्स्थ पॉइंट बताओ बेटा, आप डिटेक्ट कर पाते हो, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ और क्या कर सकते हैं? हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स। क्या आपको समझ आना स्टार्ट हुआ? हाँ जी बेटा, पक्का वाला? अच्छा जी, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आया हुआ इसका। कह रहे द चीफ यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट ऑफ अफेयर्स में बी इजी टू अंडरस्टैंड। कह रहे यार चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट, बताओ बेटा ऑडिट की अगर हम बेसिक उपयोगिता देखें, सेटिस्फेक्शन देखें, तो क्या है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइंट है, उसके जो अफेयर चल रहे हैं, क्या उसी के बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है या नहीं बनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियस यूटिलिटी देर आर सम अदर एडवांटेजेस, यानी ऑडिट की वजह से रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, उसके अलावा भी देर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सम और ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड वैल्यू इवन टू दोज एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। कह रहे हैं यार वो फायदे कुछ ऐसे हैं जो उनके लिए भी सही रहते हैं, जो उनको भी अच्छे लगते हैं, किनको उनके लिए भी वैल्यू रखते हैं, जिनके यहां पर ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं था। तो कह रहे एक्सप्लेन वो सारे बेनिफिट्स बताओ, तो ये सारे बेनिफिट्स जो आपको लिखवाए हैं वो सब लिख देना। सीधी सी बात है, बेनिफिट्स पूछे गए हैं। ये तो फायदा है ही है कि रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इसके अलावा वाले फायदे बताओ, वो सारे आप बता देना। कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद देखो, वैसे हमने जनरल डेफिनेशन में एक बात पढ़ी थी कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, वो स्मॉल हो, मीडियम हो, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। पहला पॉइंट, उनको ऑडिट तब भी करवाना है चाहे वो कोई भी उनका फॉर्म हो, कोई लीगल स्ट्रक्चर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, देखो हमेशा क्या होता है, पहले तो कोई भी चीज का क्या लिखा जाता है, जनरल रूल लिखा जाता है। एक बार बोलना पड़ेगा, ओवरऑल में क्या लिखा जाता है बेटा?
जनरल रूल। फिर उसकी अलग से क्या बताई जाती है, हमने पहले बोल दिया सबको ऑडिट करवाना है एक्सेप्ट, अब अगला पॉइंट आ रहा है, कह रहे क्या ऑडिट कराना मैंडेटरी है या वॉलेंट्री है। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो लीगल बाउंड है, जो लॉ की तरफ से बंधे हुए हैं किस चीज को लेकर कि तुम्हें तो ऑडिट करवाना ही करवाना है। लेकिन एक बात बताओ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्हें लीगली अलाउड नहीं है, वो फिर भी ऑडिट करवा लेते हैं ऑडिट के फायदे को देख के, नहीं भी कराएंगे तो चल जाएगा। एक बात बताओ, आपकी गली का दुकानदार जिसके यहां पर मैं बार बार बोलता हूं सारा सामान मिल जाता है, सुबह दूध मिल जाता है, दोपहर को आपको मैगी चाहिए वो मिल जाएगी, क्लास पे आने के लिए रजिस्टर चाहिए वो मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, मेहमान आगे कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, समझ आ रहा है आपको, सारा सामान मिल जाता है और घर का राशन भी मिल जाता है। क्या आपके हिसाब से वो अकाउंट्स की चेकिंग करवाता होगा, जरा सुनना, क्या आपके हिसाब से वो अकाउंट्स की चेकिंग करवाता होगा। कई कह रहे वो अकाउंट्स ही नहीं बनाता होगा, चेकिंग तो दूर की बात है। तो ऐसे लोगों के लिए ना लॉ ने खुद ही कह रखा है तुम अकाउंट्स वगैरह चेक वगैरह मत कराओ, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कंपल्सरी नहीं है। लेकिन बताओ कोई कंपनी अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती है तो उसको तो बनाने ही बनाने हैं अकाउंट्स भी और चेक भी करवाने ही करवाने हैं। तो यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ऑप्शनल, अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवानी है या नहीं। जैसे यहां पर बोले कह रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी, हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है ऑडिट करवाना, समझ आ रहा है आपको। देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनीज, कंपनीज को तो करवाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनी सेक्ट कहता है, ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर में पढ़ा नहीं है कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स क्या करवाने हैं, ऑडिट करवाने ही करवाने हैं, चाहे आप किसी भी तरह की कंपनी हो। देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनी हु आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर लॉ, लेकिन इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मे बी कंपल्सरी रिक्वायरिंग ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट अंडर टैक्स लॉ। टैक्स ऑडिट कईयों को करवाना पड़ता है ना, आपने वो लिमिट पढ़ाई होगी कि ये पर्टिकुलर अमाउंट है इससे ऊपर है तो आपका टैक्स ऑडिट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड इफ टर्नओवर क्रॉसेस सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो क्या कह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है, क्योंकि उनका लॉ कहता है, जैसे कंपनी लॉ कहता है कंपनीज को ऑडिट करवाना जरूरी है, इनकम टैक्स लॉ कहता है इन इन पर्सन की जिनकी इनकम इससे ऊपर है, जिनकी टर्नओवर इससे ऊपर है, उनको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना ही करवाना है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एंटिटी लाइक स्कूल्स मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हो तो स्कूल्स को भी क्या सबमिट करने होते हैं, अपने ऑडिटेड अकाउंट्स। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, मैनी एंटिटीज मे गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलेंटरी बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट and many such concern have their internal rules requiring audit due to advantages flowing from an audit। कह रहे कुछ लोगों को करवाना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला sole proprietor, समझ आ रहा है। लेकिन मैं आपको ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा audit of different types of entity, in general sole proprietor को audit नहीं करवाना होता, जो गली का दुकानदार है उसे audit नहीं कराना होता, जो अकेला business खोल के अकेला मालिक है उसे audit नहीं करवाना होता। लेकिन कुछ हैं ऐसी, और जैसे मैं बोलूँ स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप ब्रोकर हैं, इवन तो आप अपना बिजनेस अकेले चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है, वहां पर आपको ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे वक्त पर जाकर कि कहां कहां किस किस के लिए ऑडिट मैंडेटरी है और किस किस के लिए ऑडिट ऑप्शनल है। तो आप सबको अभी एक हेडिंग बनानी चाहिए, आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंट्री। जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एग्जाम्पल कौन हो गया, कंपनीज, उन्हें तो करवाना ही करवाना है ना। अच्छा आपने पढ़ा होगा एलएलपी में भी सेक्शन नंबर 34 के अंदर, हाँ गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है स्मॉल एलएलपी के लिए, वो एक बात अलग है, पर वैसे हर एलएलपी को ऑडिट करवाने करवाने, ये क्यों करवाना ही करवाना है, क्योंकि इनका लॉ कहता है persons
who crosses the threshold limits given under income tax law. लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है जिन्हें ऑडिट करवाना क्या नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मर्जी है तुम्हारी, करवाना है करवा लो, नहीं करवाना ना करवाओ. समझ आ रहा है आपको? तुमने करवाना है करवा लो, नहीं कराना ना करवाओ. जैसे ये हो गया वॉलंटरी कैटेगरी वाले, एग्जाम्पल के तौर पर हो गया सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, समझ आ रहा है आपको? इनको करवाना है करवा लो, नहीं करवाना ना करवाओ. अगर करवाना है तो ये क्यों करवा रहे होंगे आपके हिसाब से, ये क्यों करवाना चाह रहे होंगे? बेनिफिट्स के लिए. कुछ समझ आया या नहीं आया पहले ये बताओ. पॉइंट समझ आ गया? अच्छा ये देखो, ये आप कंपनी लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना, ये टॉपिक आप वैसे ही सॉल्व कर दोगे. कह रहे हु अपॉइंट्स द ऑडिटर. देखो मैं आपको बताता हूं, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, ये आपने कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं. लेकिन वैसे एक आपके साथ ना एक वर्ड डिस्कस करता हूं, आपको पता होना चाहिए. देखो या तो मालिक लोग अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करते हैं, या तो मालिक लोग, और एक होते हैं TCWG. एक बार बोलना बेटा कौन? वर्ड जरा सुना सुना सा लग रहा है. कौन सर? ये कौन आ गया अब? TCWG होते हैं बेटा दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. एक बार बोलना पड़ेगा क्या? एक बार बोलना पड़ेगा बेटा क्या? सीधी सी बात बोलूं अभी के लिए, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे आगे जाके, पर अभी के लिए जिन्हें आप आम जिंदगी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हो ना, ऑडिट में उन्हें क्या बोलते हैं? TCWG. एक बार आंट दो, क्या बोलते हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है आपको? TCWG की फुल फॉर्म भी सुना दो, क्या? दोस चार्ज विद गवर्नेंस. एक बार फिर, समझ आ रहा है आपको? तो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बताओ बेटा? कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? पहले आप एक हेडिंग बनाओ, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर. Who appoints an auditor? कह रहे हैं ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, यहां लिखना केसेस और यहां लिखना अपॉइंटेड बाय. अच्छा एक बात बताओ, आपने क्या बोला, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं आम जिंदगी में, उसको ऑडिट में क्या नाम से पुकारेंगे हम? TCWG. एक बार जकारा आण दो बेटा, क्या? TCWG बोले तो दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, यानी जिनको गवर्नेंस दी गई है, कंपनी चलाने के लिए चार्ज दिया गया है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम चलाओ कंपनी. तो कंपनी को कौन चला रहे होते हैं? बोर्ड ऑफ. समझ आ रहा है आपको? कंपनी को चलाने वाले, गवर्न करने वाले लोग, भाई इनके मर्जी से चल रही है कंपनी. समझ आ रहा है? तो वैसे बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आता ही है. बताओ नॉर्मल कंपनी के कौन करेंगे? मेंबर. कंपनी के कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स. अच्छा गवर्नमेंट कंपनी के कौन करते होंगे बताओ? CA/AG बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG. समझ आ रहा है आपको? अच्छा अगर फर्म में, अगर पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी इच्छा से ऑडिट करवा रही है, करवा लो, तो कौन अपॉइंट करेंगे? पार्टनर्स. समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा,
कुछ लॉ में तो ऐसे देर देखो, पहला क्या बोला, जनरली एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ऑनर और इन सम केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कह रहे वैसे तो मालिक लोग ही करते हैं अपॉइंट, लेकिन कुछ जगह लॉ ने बता रखा होता है ये करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल दूँ, आपको याद है आपने लॉ के अंदर एक ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद है? अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और ऑडिटर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो बताओ बेटा फिर कौन अपॉइंट करता था? और कंप्लेंट आई है सीजी से, तो फिर उसके बाद नया ऑडिटर कौन रहेगा, वो कौन डिसाइड करती थी? सीजी। याद आया आपको? बहुत बढ़िया, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। जनरली एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ऑनर्स, जनरली ऑडिटर कौन अपॉइंट करेंगे? ऑनर्स। लेकिन कुछ केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी पावर दे रखी है, आप कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे नॉर्मल कंपनी की बात करूं तो अपॉइंट करेंगे कौन? मेंबर्स। गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं सीएजी। फॉर्म की बात करूं तो कौन? पार्टनर। लेकिन कुछ सिचुएशन है जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर या टैक्स लॉज के अंदर बता रखा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी बताएगी कौन रहेगा ऑडिटर और कौन नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और वैसी बात बताता हूं, बैंकिंग कंपनी के अंदर कई तरह की बैंकिंग कंपनी हम पढ़ेंगे ऑडिट के अंदर, हमारा बैंक ऑडिट का चैप्टर है, एक बार आपको थोड़ी सी झलक दिखला देता हूं, आपको पता होगा, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा बेटा आपका। हम एक ऑडिट ऑफ बैंक का चैप्टर पढ़ेंगे और ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर आप जरा देखेंगे ना, कई तरह के बैंक्स होते हैं और उनके बैंक्स के ऑडिटर अपॉइंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कई जगह आरबीआई अपॉइंट करता है, ये देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप बैंकिंग कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो आपके शेयर होल्डर करेंगे, अगर आप नेशनलाइज बैंक है तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह मैं क्या भी बोल सकता हूँ, TCWG। अच्छा, लेकिन आपको अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? RBI से। और अगर आप रीजनल रूरल बैंक है तो आपका ऑडिटर अपॉइंट तो बैंक ही करेगा, लेकिन अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? CG से। तो यानी अगर लॉ में बता रखा है कि तुम्हारे को ऐसे अपॉइंट होगा तो फिर वैसे ही होगा। जैसे बैंक में बता दो ना, बैंकिंग कंपनी में मेंबर, नेशनलाइज बैंक में बैंक करेगा, लेकिन उनके भी आप पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करके अप्रूवल लेकर आएंगे किससे? RBI से। रीजनल रूरल बैंक जो RRBs होते हैं उनके अंदर बैंक का ऑडिटर अपॉइंट तो होगा, बैंक ही करेगा, लेकिन उसके अलावा आपको सीजी की भी क्या चाहिए होगी? अप्रूवल। तो बताया जाता है ना, तो यानी कई बारी इन सम सिचुएशंस लॉ बताएगा, इन सम सिचुएशन आपको कौन बताएगा? लॉ, ठीक है ना? अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्या कुछ बातें समझ आई हैं आपको? बोलो बेटा, यस और नो? अच्छा, एक बात लास्ट आज की करते हैं। आपने ऑडिट कर लिया, आप ऑडिटर हो, आप सब ऑडिटर हो, अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद के तो आप ही ऑडिटर हो ना। आपने ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बना ली, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद किसके पास जाओगे? जिन्होंने आपको अपॉइंट करा था उनको बताने नहीं जाओगे? यही अगला टॉपिक है। कह रहे टू होम द रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर ये रिपोर्ट बनाएगा तो सही, किसको सबमिट करेगा? देखो, इन केस ऑफ कंपनी आपको किसको देना है? शेयर होल्डर। और इन केस ऑफ फर्म आपको किसको जमा कराना है? पार्टनर्स को। तो बताओ बेटा, एक हेडिंग बनानी चाहिए, टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर, टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। तो बताओ, कंपनी के केस में आप रिपोर्ट किसको सबमिट करोगे? ऑडिटर रिपोर्ट सबमिटेड टू किसको? शेयर होल्डर यानी मेंबर्स। और फॉर्म के केस में पार्टनर्स, यानी सीधी सी बात बताऊं,
सबमिट किसको करोगे? टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसने आपको अपॉइंट करा उसको ही तो जमा कराओगे। अगर आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा था तो शेयर होल्डर को, और अगर फर्म ने करा था तो पार्टनर्स को। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? चलो एक बार ना मुझे जितना आज मैंने कराया एक बार रिवाइज करा देता हूँ, और उसके बाद मुझे एक बात आपसे करनी है, मुझे याद दिलाना, भूल ना जाऊँ, ठीक है? फिर उसके बाद फिर आपकी क्लास ओवर कर देंगे। अच्छा एक बार ही आना, बेसिकली जो आपने नोट करा रजिस्टर कर दो बंद। देख के बोला तो फिर क्या बोला? कुछ भी नहीं बोलना देख के, बिना देखे देखते हैं किस किस को याद है, बिना देखे देखते हैं किस किस को याद है। चलो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? आवाज में दम नहीं, क्या पेपर नंबर? पेपर नंबर 5, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। अगर मैं आपके साथ बात कर लूं, और इसमें ना आपको अब तो सारे पेपर ही ऐसे हैं, 30% क्या है यानी ऑब्जेक्टिव। अगर 30% ऑब्जेक्टिव है तो 70% ऑब्जेक्टिव है। देखो मैं अभी आपको एग्जिस्टिंग पेपर कैसे आता था थोड़ा उसका आइडिया भी दे देता हूँ, एग्जिस्टिंग पेपर कैसे आता था मैं थोड़ा उसका आइडिया भी दे देता हूँ, फिर मैं एक बार रिवीजन करा लूँगा आपको। देखो 30% आते थे एमसीक्यू और 70% आता था डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये तो आपको लॉ में भी था, पहले भी था, अब आपको अभी अब तो सब पेपर में ऐसे ही हो गया है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना वो भी बेटा दो पार्ट में बटा होता है, एक आते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। देखो जो एग्जिस्टिंग में आते थे वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, अभी आपके मई 24 में एग्जैक्ट नहीं बताए कितने आएंगे। क्या होते थे सुनना जरा, एग्जिस्टिंग में ना बेटा एक क्वेश्चन आता था, और वो क्वेश्चन आता था 14 मार्क्स का, जिसमें 8 MCQ आते थे, जिसमें 8 MCQ आते थे, और उनमें से आपको 7 करने होते थे 2-2 मार्क्स ईच। यानी कहने का मतलब क्या था, 30 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से यहाँ पर मार्क्स आ जाते थे और 14 ये, और बाकी 56 मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे और कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे आप लॉ में भी करते थे। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ये एग्जिस्टिंग कोर्स का पैटर्न था, और यही मेरे ख्याल से सेम अब फॉलो होगा मई 24 ऑनवर्ड, क्योंकि हमारा तो पहले भी यही पैटर्न था ना, लॉ और ऑडिट में पहले भी यही था, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही था। तो कहने का मतलब 44 मार्क्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 44 मार्क्स तो आपको बताओ बेटा ऑब्जेक्टिव ही हो गया ना, दिख 14 करेक्ट इनकरेक्ट रहे, लेकिन 14 है क्या एक तरह से, आपको यही तो बताना ये चीज ठीक है या गलत। हाँ विद रीजन, ठीक है, मेन आपको सिखाना ही मुझे रीजन देना है। करेक्ट इनकरेक्ट तो कोई भी बता देता है, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते। करेक्ट इनकरेक्ट के मार्क्स कम मिलते हैं, अगर रीजन ठीक होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि तुक्के नहीं चलेंगे यहाँ पर वो, इसलिए तो देखा नहीं चैप्टर के एंड पे करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजन वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न सा होता है। और मैं एक और बात बता दूं, आपके कोर्स में 11 चैप्टर्स हैं, वो धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, आपको समझ आते रहेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। और उनमें से बेसिकली आज इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 की कुछ बातें करी हैं, तो यानी बेसिकली आज हमने एक चैप्टर भी स्टार्ट कर ही दिया है, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने व्हाट इज ऑडिटिंग पढ़ लिया। तो ऑडिटिंग की एक बार मुझे सारे बच्चे डेफिनेशन सुना देंगे, क्या है ऑडिट, क्या है बताओ? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म, वेयर सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद एन व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। ऑडिट का मतलब आपको समझ आ गया था ब्रेक से पहले का?
फिर ऑडिट के मतलब के बाद हमने पढ़ा कि ऑडिट करवाएं क्यों यार, इससे हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है और यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और बताओ बेटा, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है ये? सेफ गार्ड। एम्प्लॉइज पर एक्ट करता है एज अ मॉरल चेक। गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इसे, बैंक भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है, रिलाई कर लेता है इस बात पर और आपको लोन दे देता है। उसके अलावा इससे हमें फ्रॉड एंड एरर पर पता चल जाते हैं और इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज भी पता चल जाती है। फिर अपॉइंट करेगा कौन, ये हमने पढ़ लिया था। कंपनी के केस में मेंबर और फर्म के केस में, और सी एंड ए जी कब, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, और कुछ सिचुएशन में लॉ बताएगा कौन अपॉइंट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर बताओ, आपने ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट जमा किसको करानी है, जिसने अपॉइंट करा था, कंपनी के केस में शेयर होल्डर और पार्टनरशिप फर्म के केस में। और वैसे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को तो कंपल्सरी कर दिया गया तुम्हें ऑडिट करवाना ही करवाना है, लाइक कंपनी, पर्संस कवर्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ, एलएलपी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अपनी इच्छा से चलती है, कराना है तो करवा लो, जिसको लगता है यार फायदा है भाई करवाने का तो करवा लो, कंपल्सरी नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, पार्टनरशिप फर्म का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कुछ पेपर पैटर्न पर भी आपके साथ बातें हो गई। अच्छा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।